Guys, so this is your फर्स्ट स्क्रीन वेयर बेसिकली यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू कि भाई मेरे ऑडियंस में क्या क्या हो रहा है. नाउ वॉट इफ यू हैव मोर देन वन ऑडियंस, यू देर विल बी अ ड्रॉप डाउन ओवर हियर एंड यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन ऑडियंस बाई क्लिकिंग ऑन व्यू ऑडियंसेस. अभी मेरा यहाँ पे एक ही ऑडियंस है, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सी द ओवरव्यू ऑफ दैट. बट यू कैन हैव मोर देन वन ऑडियंस ऑल्सो. टिपिकली इन अ स्टैंडर्ड अकाउंट यू कैन हैव अप टू फाइव ऑडियंसेस. So what do you mean by audience? So audience is just like a list basically, but the reason why Mailchimp calls it audience, पहले 2 साल पहले ये audience terminology नहीं use होती थी. It used to call it a list. But Yeah. after that, what happened was that now you can do social media campaigns from Mailchimp directly. You can do Google remarketing. So they saw more 360 degree kind of a marketing audience, you know. So now they don't call it a list, they call it an audience, because you will have a lot of good data on each subscriber, whether they are active on social media, whether they came from Google marketing. If your website is using an e-commerce plugin like say WooCommerce or Magento or something, big commerce like that, then it will also tell you the historical purchase history of that customer. So because of this reason, it's a for a broader perspective, Mailchimp इसको audience बुलाता है. But basically मोटा मोटा जो audience है वो हमारी list होती है. And you can also have more than one audiences, but generally it is recommended only have one audience and then internally add groups. So group can be like somewhat your different lists within one audience. I will explain this later in the later part of the session. So this But is right basically now, the segmentations yes, बिल्कुल. जो So मार्केटिंग लिस्ट हम बनाते हैं ये उसके लिए है, राइट? ये उसके लिए है, बिल्कुल. तो So यू सेइंग कि ऑडियंस, हम एक ऑडियंस बनाए, मतलब एक मास्टर लिस्ट बनाए और उसके अंदर हम अलग-अलग ग्रुपिंग्स करें, दिस इज व्हाट यस यू यस. मान लो आपके पास 5 तरह की लिस्ट हैं, तो पांचों लिस्ट को आप एक ही ऑडियंस के अंदर डालो, बट उस ऑडियंस में आप अलग 5 अलग ग्रुप्स बना सकते हो. सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन द लेटर पार्ट. मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे डैशबोर्ड का. ठीक है तो मेलचिम का जो डैशबोर्ड है वेरी सिंपल. अभी हमने जैसे बताया स्टार्टिंग स्क्रीन ऑडियंसेस की, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आइकन्स हैं, दीज आइकॉन्स आर गोइंग टू टेक यू अराउंड द इंटायर मेलचिम डैश सिस्टम. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज आइकन्स. वेन यू क्लिक ऑन द लोगो यू विल गो इन टू द मेन स्क्रीन. वेन यू विल क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकॉन यू कैन क्रिएट अ कैंपेन. यू कैन ओके क्रिएट नाउ वेन इट कॉल्स अ कैंपेन इट इज नॉट जस्ट ईमेल, इट इज ऑल्सो इट कैन बी अ ईमेल, इट कैन बी अ कस्टमर जर्नी, अ लैंडिंग पेज, अ मल्टी चैनल डिजाइन विच इज अ बैनर बेसिकली. यू कैन क्रिएट अ साइन अप फॉर्म फॉर योर वेबसाइट, यू कैन क्रिएट अ सर्वे, एन एडवर्टीजमेंट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल, यू कैन क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट. सो दिस इज वेरी गुड फॉर दीक्षा, राइट? यू आर द सोशल या मीडिया एक्सपर्ट. देखो ओके, सो दीक्षा यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट योर सोशल मीडिया चैनल्स विद मेलचिम. करेंटली इट अलाउज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. यू कैन क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट डायरेक्टली फ्रॉम मेलचिम वन सिंगल पॉइंट एंड यू कैन एक्चुअली ब्रॉडकास्ट इट टू ऑल 3 चैनल्स जस्ट फ्रॉम वन पॉइंट. सो यू डो एंड यू कैन ऑल्सो स्केड्यूल इन एडवांस, सो यू डोंट नीड टू गो टू 3 सेपरेट चैनल्स, फिर फेसबुक के लिए अलग बनाओ, इंस्टाग्राम के लिए अलग. ऐसे नहीं, आप एक ही जगह जाके यू कैन डू अ सो. एंड देन फाइनली यू कैन डू अ पोस्ट कार्ड ओवर हियर. सो ये आपका हो गया पोस्ट कार्ड्स. पोस्ट कार्ड्स कैन बी रेकरिंग, वन टाइम सेंड एंड अबैंडन्ड कार्ड फॉर ई कॉमर्स. सो दिस इज अ पोस्ट कार्ड इज एक्चुअली अ एक्चुअल पेपर पोस्ट कार्ड विच इज पोस्टेड टू द कस्टमर. करेंटली इट ऑल्सो अलाउज सेंडिंग पोस्ट कार्ड्स टू ओवर 28 कंट्रीज एंड इंडिया इज इंक्लूडेड इन दैट. बट इंडिया की कॉस्टिंग पर पोस्ट कार्ड कम्स आउट टू बी अराउंड 120-130 रुपीज पर पोस्ट कार्ड, विच इज एक्सपेंसिव बिकॉज एक्चुअली में जो आपका पोस्ट कार्ड डिलीवर होगा वो यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस से होता है. सो इट विल नॉट बी एक्चुअली डिलीवर्ड फ्रॉम इंडिया, सो इट्स नॉट अ लोकल पोस्ट कार्ड. बट अगर आपके क्लाइंट्स अमेरिका में हैं, अगर आप अपनी अमेरिकन सेगमेंट को भेजना चाहते हो, इट विल कॉस्ट यू ओनली 30 सेंट्स पर पोस्ट कार्ड. For US, यस यस, विच इज अराउंड
I don't know. I'm very bad in maths. I think it's around 20 rupees. And it's okay. That's obviously will fluctuate. So 30 cents for USA. Yeah. Okay. So over here on your left, you know, below the create icon, you see a pencil ke niche jo ye icon hai. This is your audiences ka button. When you press this, you will go to your directly your audiences screen. Jo ki abhi we gave an overview of this entire audiences. Over here, you can manipulate your audiences by then further going to view contacts. This is your main, actually the meat and potato of your entire database. It will show in your this one screen, your list, entire list. So I will cover this. I'll come back to the audiences and give more details, you know, about it later. Then the next button is campaigns. Over here, when you press this button, the campaigns, you will see all your campaigns in one single view. You can sort them according to which type of campaign you want to see. Email देखना चाहते हो तो email आ जाएंगी, automation तो automation आ जाएंगी, landing pages तो landing page आ जाएंगे. So similarly, you can see ads or postcards, whatever campaigns you have. You can also see based on status. So if there is something in draft, आप draft में क्या पड़ा है वो देख सकते हो. Ongoing क्या है, ongoing देख सकते हो. All campaigns में सारी आ जाएंगी. If all the completed करते हो तो only campaigns which were recently sent आती हैं. So over here, then you can look into reports. Again, I will get back to this detail later. Then उसके नीचे जो button है आपके left hand side में campaigns के just नीचे जो button है, this is automations. This is all your emails and you know your basically this is mostly your emails which you have automatically pre-scheduled and they are recurring emails. So they happen on a routine basis. It can be based on a trigger, like let's say, you know, you have a new subscriber come in to your list. So you want a welcome email. This is the most common form of automation is a welcome email. Or you have a trigger based email. If you tag a contact, then immediately an email goes based on the tag. If your website is integrated with e-commerce, then automatically there are some preset automations like thank you for your order, abandoned cart email, shipping information, order confirmation. All of these emails are automated inside MailChimp over here in your automations tab. You can also have email series for your lead. A lot of people use MailChimp automations and connect it with their CRM to manage their lead marketing. So let's say you have a lead in the CRM and those leads go into MailChimp. Automatically, you can have a series of emails, let's say 10 emails, which go after every week. So you can actually have those 10 emails pehle se hi set, and jaise hi koi CRM se aapke list mein aata hai, usko wo 10 emails jaani shuru ho jayengi one by one by one. So you don't have to manually go and send to each person. Ek baar aapne automation setup kar di, and apne aap unko jaati rahegi. So you can see over here, there are some automations already there. So you can see that, okay, who is inside this automation? Like right now, this August newsletter, I can see that 59 people have started the automation. 14 are still in progress. 45 have completed. Because so we can change this automation also? Okay, ek bari set ho gaya to ho gaya. Yes, you can always go back and you can change the automation. So this is a different kind of trigger-based automation. Like, for example, this automation is thank you for the payment. So if like say somebody makes a payment, you can just tag payment received. And as soon as you tag, immediately an email will go, thank you email. So a lot of times people forget, you know, the thank you email. So you can just keep a tag and immediately. Now let's say you want to change this automation. You can always click on this three dots and then view journey. And then you can actually change your automation. The automation itself, they have tried to make it very, very easy for the user. So you see over here, nothing is black boxed. Everything is, it gives you a very, very clear top view of the automation. Just imagine yourself like having a flow chart. So it's like a flow chart ki audience kaise aaya sabse pehle andar automation ke. Supposingly, jaise agar humne ek lead dali hai CRM mein, aur wo lead jo hai, wo that lead showed us some potential. So when we qualify that lead, that converts into a potential account for us. Bilkul. And when it confirms first booking,
then yes. we can automate a mail. Thank bilkul. You for booking with us, something like that. Right? Correct. Bilkul. Definitely. You can have that, and you can have a tag based automation or a group based automation. तो उसमें हम जैसे अगर how do we send automatically? It will be integrated with CRM, or we have to do certain a tag thing or something here in MailChimp, and the mailer will go. Yeah, you can either you integrate your CRM with a MailChimp tag or a MailChimp group. So let's say you have a CRM system and you have the status changed of that audience. So yeah. you will either in your CRM, there is a field, you can create a field, let's say status changed. Okay. And now in your CRM, you will drop down in that field and you will select prospect or qualified lead. Jaise hi uska status change hoega, you can sync it with a MailChimp tag or a group. Like Salesforce mein, you can do both. You can do group and tag. HubSpot Achha. Mein also you can do that. अगर आपका CRM की डायरेक्ट सिंकिंग नहीं है, then you can also use Zapier to integrate. नहीं, CRM तो हमारा API से इंटीग्रेट होगा ही MailChimp के साथ में. Okay. So you are using Microsoft Dynamics, right? Yes. Okay. So you will just have to use the API to actually event-based API where that as soon as some field is changed in your CRM, a tag is added to the audience. So it is going to be an if and else condition basically. If and then condition. So if a field changes in your CRM, आपका CRM जो है वो बस वो tag को update कर देगा आपकी list में. और automatically mail चला जाएगा. Automatically फिर आप काफी चीजें कर सकते हो, सिर्फ mail नहीं, you can यहाँ पे journey points हैं. You can. हाँ, I'm just giving example. हाँ जी. So over here you can see कि हम किस basis पे automation कर सकते हैं. So if I see let's say this automation, I want to see the starting point. तो यहाँ पे क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ऑटोमेशन स्टार्ट होने की कंडीशन बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट इज कि किस कंडीशन पे ये ऑटोमेशन ट्रिगर होएगी सो कॉन्टैक्ट एक्टिविटी के बेस पे कि अगर उस कॉन्टैक्ट में कोई टैग लगा है तो वो इस ऑटोमेशन में आएगा अगर वो साइन अप करता है मतलब अभी अभी लिस्ट में आया है इफ ही ज्वाइंस एनी ग्रुप अगर वो ग्रुप को लीव करता है तो भी अगर उसकी कोई फील्ड चेंज होती है सो तभी भी ये स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं अगर वो कोई पेज देखता है आपके वेबसाइट में इफ यू हैव इंटीग्रेटेड योर वेबसाइट विद MailChimp देन यू कैन आल्सो डू अ ट्रिगर बेस्ड ऑटोमेशन बेस्ड ऑन व्यूड अ पेज क्लिक्ड अ लिंक सो लेट्स से यू नो यू हैव अ लिंक यू हैव एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑन योर वेबसाइट लेट्स से एन इंक्वायरी फॉर्म एंड यू जस्ट वॉन्ट टू सेंड अ रिमाइंडर टू पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द इंक्वायरी यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑटोमेशन So very advanced triggers, if your system is integrated fully, you can fully utilize these automation. You can do date-based automations. So birthday automation is something which is very, very popular. Even recurring dates is very, very popular. So let's say, if you have an audience, this is very important for insurance industry. If they have, customers in their CRM, with a annual renewal month and date, they can actually do a recurring date. Last year we did an integration for Honda Motors and they had a problem of, they're basically a dealership of Honda, Pinnacle or Honda Motors. And we did an integration for their service date. So let's say their car, they used to enter the name of the owner, the name of the car and kis date pe service due hai. सो ऑटोमेटिकली रेकरिंग ईमेल चली जाती थी एक महीने पहले या एक हफ्ते पहले यू कैन एक्चुअली चूज शॉपिंग एक्टिविटी के बेस पे इफ योर वेबसाइट इज यूजिंग अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक से WooCommerce, BigCommerce, Shopify, Magento यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज ट्रिगर्स बेस्ड ऑन परचेज एक्टिविटी मार्केटिंग एक्टिविटीज के बेस पे जैसे आपने कोई ईमेल भेजी अगर आप उस ईमेल के बेसिस पे ऑटोमेशन करना चाहते हो कि मेरी ईमेल पढ़ी तो ये होना चाहिए अगर नहीं पढ़ी तो ये होना चाहिए एपीआई एंड इंटीग्रेशंस के बेसिस पे भी आप कर सकते हो सो दिस इज समथिंग विच यू विल एक्चुअली हैव टू यूज मैम ये एपीआई एंड इंटीग्रेशन में देयर इज दिस ट्रिगर पॉइंट कॉल्ड इवेंट एपीआई सो व्हाट दिस इवेंट एपीआई डज इज यू कैन एक्चुअली ट्रिगर एन ऑटोमेशन बेस्ड ऑन एन इवेंट All you have to do is you have to create a basically jo API hai that you will have to let's say status change. Aap ek event banaoge status change.
सेल्स फोर्स में आपके माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स सीआरएम में अगर कोई भी कॉन्टैक्ट का स्टेटस चेंज होता है तो वो एपीआई के थ्रू स्टेटस चेंज इवेंट बनाएगा और उस कॉन्टैक्ट में डिटेल डालेगा। एंड फिर आप यहाँ पे जाके ऑटोमेशन में जाके स्टार्टिंग पॉइंट में देन यू विल सिलेक्ट एपीआई इंटीग्रेशन, यू विल सिलेक्ट इवेंट एपीआई एंड देन यू विल एंटर द नेम ऑफ द इवेंट जो आपने अपने डायनामिक सीआरएम में बनाया था एंड दैट्स इट। उसके बेसिस पे फिर आप ऑटोमेशन शुरू कर सकते हो। तो ये हमको डायनामिक्स में बनाना पड़ेगा। सो आपको डायनामिक्स में जब आपकी कोई जैसे फील्ड चेंज पे आप चाहते हो कि ट्रिगर हो तो फील्ड चेंज पे यू विल हैव टू एड अ हुक, एन एपीआई हुक जो मेल चिम को भी अपडेट करेगा। बिकॉज मेल चिम इंटीग्रेशन में होगा ना ऑटोमेटिकली, देन बिल्कुल पहला स्टेप ये होगा कि हमें वो इंटीग्रेशन में कोई भी स्टेटस चेंज होता है देन इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद मेल चिम, वो मेल चिम में भी स्टेटस चेंज होगा एंड दिस विल ऐड टू द टैग एंड देन द मेलर विल गो। बिल्कुल करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क एंड दिस इज बेसिकली यू नो यू जस्ट हैव टू मिरर व्हाट इज हैपनिंग। इफ देयर इज अ स्टेटस इन CRM which is relevant to your marketing activity, you just have to integrate sync them. So based on that, and this is the events API, but there is lots of flexibility. Bahut simple basics integrations jo hoti hain. Ab I don't know Microsoft Dynamics mein kya procedure hota hai, but Salesforce and HubSpot and other simple CRM, even abhi humne recently ek CRM ke sath integrate kiya tha MailChimp ko, Maximizer. तो वो क्या करते हैं, वो आपकी फील्ड्स को सिंक कर देते हैं। तो यू कैन इवन डू अ कॉन्टैक्ट एक्टिविटी बेस्ड ऑन ऑडियंस फील्ड चेंज। ये जो ट्रिगर पॉइंट है ऑडियंस फील्ड चेंज, इफ यू सी द कंडीशन यू कैन क्रिएट अ फील्ड लाइक लेट्स से इंक्वायरी। इंक्वायरी में कोई भी चेंज होता है यू कैन एक्चुअली ऑटोमेट बेस्ड ऑन योर फील्ड ऑल्सो। सो आपके जो सीआरएम है आप सीआरएम में एक फील्ड को मेलचिम की फील्ड के साथ मैप कर दो। बस जैसे ही वो सीआरएम में फील्ड चेंज होएगी उसके चेंजेस मेलचिम की फील्ड में भी आ जाएंगे और उसी फील्ड पे आप ऑटोमेशन सेट कर दो बस। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू डू ऑटोमेशन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। सो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस ऑटोमेशंस इंटीग्रेटेड विद योर सीआरएम। नाउ आफ्टर ऑटोमेशन लेट्स गो वन बाय वन टू अदर। अभी जैसे आपने पूछा था कि इसको ऑटोमेशन को हम एडिट कर सकते हैं, सो आई जस्ट डिड द एडिटिंग, नाउ आई विल सेव इट अगेन। सो लेट्स से आई सिलेक्ट, नाउ इट इज आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ ऑटोमेशन इट इज, सो आई से नर्चर माई रिलेशनशिप्स टर्न ऑन। द नेक्स्ट बटन बिलो ऑटोमेशन इज वेबसाइट। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओवर हियर यू कैन एड योर डोमेन्स। Number one step to do in MailChimp is actually to come over here and आपको अपने जो domain जिससे आप email भेजते हो वो यहाँ पे आप add करोगे and उसको verify करवाओगे। So that हम कितने domains add कर सकते हैं? There is no limitation as such. You can add n number. मतलब there is no number which MailChimp tells you and so far I have not had any problems. We have seen accounts where there are 5-6 domains and there is no problem. कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। सो आई हैव सीन अकाउंट्स विद 4-5 डोमेन्स इजीली इंटीग्रेट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप इज टू एड योर डोमेन एंड वेरीफाई इट। Once you verify it, next step is to authenticate it. When you, this is, you know, you can take it in the 30-day support. Jab aap domain ko integrate karoge, I will note it for my back office team. So somebody from my team like Naveen or Rudra, they will be in touch regularly with you. Domain verification वैसे बहुत simple process होता है। आप domain को add करते हो, तो आपके domain से associated जो email होती है, आप वो enter करते हो। MailChimp आपको एक OTP भेजता है ईमेल में, आप वो OTP एंटर करते हो और आपका डोमेन वेरीफाई हो जाता है, खत्म। यहाँ से हम ऐड करते हैं, हम अपनी डोमेन की डिटेल्स डालते हैं एंड देन इट विल गो टू MailChimp, दे विल सेंड अस कोड टू वेरीफाई। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स जस्ट OTP वेरिफिकेशन, दैट इज द स्टेप वन। स्टेप टू इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद स्टेप टू इज ऑथेंटिकेशन।
ऑथेंटिकेशन में मेलचिम्प आपको दो रिकॉर्ड्स देता है जो आपको अपने डोमेन के डीएनएस मैनेजर में डालने होते हैं. सो दैट इज द ओनली स्टेप वेयर देयर इज वन टेक्निकलिटी, यू विल हैव टू लॉग इन टू योर डोमेन रजिस्ट्रार. अगर आपने डोमेन गोडैडी से रजिस्टर किया है, सो यू लॉग इन टू गोडैडी, और इफ यू आर नेट फॉर इंडिया और एनी यू नो फलाना डोमेन रजिस्ट्रार, यू जस्ट लॉग इन एंड यू एंटर द सी नेम रिकॉर्ड्स. इट इज कॉल्ड सी नेम. इट विल गिव यू टू रिकॉर्ड्स, यू जस्ट हैव टू सेव इट देयर. So it is like basically a signature. It tells the email recipients that ये जो email MailChimp से आ रही है, ये actually में इस domain से authenticated है. Because you know technically if you see any big company actually, any employee can also, ऐसे तो इस logic से तो कोई भी employee emails भेज सकता है, right? Like let's say I am working in your company. I have a email ID, official email ID, robbie@sita.in. So I can just add and verify my sita.in using my own email, right? I can just enter robbie@sita.in and mere ko email aayegi, main OTP dalunga aur domain verify ho jayega and then I can start sending emails. But that's insecure, right? So maybe I'm not the authorized person. So how does MailChimp know that you are the authorized person? Wo aapko do records dega. Wo records aapko apne MailChimp ke, apne domain ke DNS mein dalne. That is how there is 100% trust that this domain is actually authorized to send through MailChimp. So this is an important delivery point which I wanted to discuss, because a lot of people complain that hamari emails spam mein ja rahi hain ya hamari emails ki open rate kam hai. So I sabse pehle main domains mein jaake dekhta hu ki domain authenticated hai ki nahi. So this is an important step. And this is something which we can cover later on when you want to, jab aap account setup karoge aur verification step karoge, we can help you in that. Apart from domain, there are other options in website. You can actually create a whole website within MailChimp. Once you add your domain, you can actually create a website inside MailChimp only. You can create a website and it is included in the standard plan. So this is also an amazing thing actually. Once you have a MailChimp account, you can actually just click on your domain and create a site. So for example, this, I was just testing this website. So this is actually created in MailChimp only. I was just testing how the MailChimp websites work, and it's actually, this is a new feature. इन्होंने पिछले साल ही शुरू किया, that basically because their vision is to have a all-in-one CRM. कि आप अपना वेबसाइट भी बनाओ, आप ईमेल्स भी भेजो, पोस्टकार्ड भी भेजो, सोशल मीडिया भी करो, सब कुछ गूगल एड्स भी चलाओ, सब कुछ एक ही पैनल से चल रहे हैं एंड ऑल योर डेटा इज इन वन प्लेस. सो दैट मींस दैट यू डोंट हैव टू आल्सो लुक अराउंड फॉर डेटा इन डिफरेंट प्लेसेस. यू आल्सो हैव एन अमेजिंग फीचर ओवर हियर कॉल्ड अपॉइंटमेंट्स. यू कैन एक्चुअली आल्सो क्रिएट एन अपॉइंटमेंट पेज ओवर हियर, एंड वंस यू क्रिएट एन अपॉइंटमेंट पेज, then basically you know like Calendly is a very expensive tool. It's like $20 per user. You can actually have the same features over here in MailChimp. So this is an appointment feature. Then these are same like CRM, because we have appointments in CRM. So here also you can no, that is different. CRM ki appointments are more advanced. This is basically like, let's say you have a, this is very commonly used for, let's say you are an accountant or a lawyer, or let's say a spa or saloon, which have appointments for their customers. So they can make an appointment form here so that, you know, agar unke customers ko book karni appointment, they can just directly use that form. एंड जो भी डेटा उस फॉर्म में, जैसे जो बंदा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेगा, वो डायरेक्टली फिर उसके MailChimp में सेव भी हो जाएगी, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट फॉर्म MailChimp ही बना रहा है. सो इट्स लाइक एन इन बिल्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी. आपको कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ एक अपॉइंटमेंट फॉर्म यहीं पे बनाना है. सो दिस इज गुड. अपॉइंटमेंट फॉर्म क्रिएट करना है, देन इट विल बी सेंड टू द कस्टमर्स, और जो उसको फिल करेंगे फिर वो उसमें आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. So this is basically the one of the services that MailChimp provides over here. Then apart from the website option, there is Content Studio. Now this is important because जो भी आप campaigns करते हो, social media करते हो, जो भी आपके images होते हैं, designs होते हैं, banners होते हैं, वो सब यहाँ पे save होते हैं in your My Files. So
So all your information is saved in your My Files. Your logo is the first step. Many people don't do this. See, even this account, even I have not set this up. यहाँ पे My Logo option है. You can just upload your logo here. When you create a campaign, automatically आपका logo आ जाता है. So all of these settings are in the Content Studio. You can also create GIF animations automatically. It has a huge library. You can search for things related to travel. You can create animations, banners very easily from within MailChimp only. So यहाँ पे हम अपने banners design करके भी डाल सकते हैं. Yes. और यहाँ पे जो inbuilt है वही होते हैं सिर्फ. आप अपने डिजाइन करके भी आप माई फाइल्स में अपलोड कर सकते हो. सो अगर आपके कुछ कस्टम डिजाइन हैं, यू कैन जस्ट गो इन टू माई फाइल्स एंड यू कैन अपलोड योर इमेजेस. सो दीज आर लाइक कस्टम बैनर्स दैट वी हैव डिजाइन्ड. सो वी कैन जस्ट अपलोड देम ओवर हियर. ये सारे कस्टम मेड हैं और ये जो हैं ये अलग अलग. इफ यू आर इंटीग्रेटेड विद योर ई कॉमर्स देन आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली मेलचिम में आ जाएंगे. सो नॉर्मली क्या होता था पहले कि लाइक लेट्स से समबडी इज रनिंग अ शॉपिफाई शॉप. सो दे यूज्ड टू से ओके यू नो वी वांट टू डू अ प्रमोशन ऑफ दीज सिक्स प्रोडक्ट्स. सो देन यू नो पीपल यूज्ड टू देयर डिजाइनर यूज्ड टू डू ऑल द हार्ड वर्क ऑफ सेविंग द इमेजेस देन अपलोडिंग इन MailChimp देन एडिंग द लिंक. अब कुछ भी ऐसा नहीं करना. ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं. यू कैन सर्च बाय आइटम नेम आइटम नंबर and automatically the products are there. You can just click and insert it in your email. So then the next button, this is the last button. यहाँ पर कोई templates नहीं होंगे? It's just like a newsletter. Yes, yes. यहाँ पे ready-made templates पड़े होते हैं MailChimp in the newsletter. वो अलग है. Templates जो है वो that separate ना. This is only the content studio. This is a kind of a library ना. Picture library हो गया आपके products हो गए. अगर हमारा इंटीग्रेटेड है वी कैन पुट आवर आइटिनरीज जो आई मीन डेली जैसे गोल्डन ट्रायंगल है या ऐसा कुछ है जो हमारी रेगुलर यूज होती है. Yes. या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि हमने लास्ट ईयर जो भेजे थे प्रियंका छबलानी ने जो डिजाइन किए थे टू बी प्रिसाइज वो हम इसमें डाल सकते हैं कि अगर जैसे जनवरी में ये जाना है दिसंबर में ये जाना है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी काइंड ऑफ अ थिंग. इट्स अ लाइब्रेरी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो टेम्पलेट पर अगर कस्टम एचटीएमएल ईमेलर्स ला रहे हैं वो कहां कस्टम कस्टम ईमेल्स जो होती हैं. आई एम स्पीकिंग विद देवेंद्र जी ना. या या. सो कस्टम ईमेल्स इज डिफरेंट. दैट इज पार्ट ऑफ कैंपेन्स राइट. सो जब आप कैंपेन्स में जाओगे यू विल सी ईमेल टेम्पलेट्स ओवर हियर दिस ऑप्शन ऑन योर लेफ्ट. यहाँ पे आपकी ईमेल टेम्पलेट्स आ जाती है. दैट इज सी कंटेंट स्टूडियो इज डिफरेंट. कंटेंट स्टूडियो इज कंटेंट. टेम्पलेट्स इज बेसिकली जस्ट अ पैटर्न. टेम्पलेट्स इज बेसिकली एक पैटर्न होता है उसमें प्लेस होल्डर्स बने होते हैं. कंटेंट नहीं होता वो. तो कंटेंट आप टेम्पलेट के अंदर डालते हो तो वो कंटेंट कहाँ से आता है? वो आता है इस लाइब्रेरी से कंटेंट स्टूडियो से. तो ये दोनों सेपरेट चीजें हैं. बट ओके देन जस्ट टू क्लैरिफाई अगर आपको टेम्पलेट्स देखने हैं तो वो कैंपेन में दिखेंगे और जो आपको कंटेंट देखना है वो कंटेंट स्टूडियो में दिखेगा. कंटेंट में बेसिकली हम अपने बैनर्स डाल सकते हैं बनाकर. हम अपने प्रोडक्ट्स आइटिनरीज डाल सकते हैं बनाकर. हम अपने लोगोस डाल सकते हैं बनाकर. इनफैक्ट वेयर वी कैन यूज ऑन द ईमेल. हां हां. जैसे आपका दिस इज योर वेबसाइट राइट sita.in. आपका यही साइट है राइट? राइट. ये साइट आप क्या कर सकते हो इसमें इतना एडवांस फीचर भी है. आप अपना साइट का एड्रेस डालो एंड शो मी डिजाइंस. ये आपके साइट को स्टडी करता है. सी नाउ आई हैव एंटर्ड योर वेबसाइट sita.in. इट इज रिकॉग्नाइजिंग योर ब्रांड और आपकी ब्रांड के हिसाब से ये बैनर ऑप्शंस बना देगा. ओके. मतलब इतनी एडवांस लेवल ऑफ मार्केटिंग है दैट इफ यू लेट्स से यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स. आपके पास चार अलग वेबसाइट्स हैं. चारों के लोगो अलग है. चारों के कलर्स ब्रांडिंग अलग है. आप अपने वेबसाइट का एड्रेस कंटेंट स्टूडियो में डालो. वो अपने आप रेडीमेड डिजाइन बना देगा. आपको बस एडिट करना है उसमें जो भी हेडिंग या टेक्स्ट एंड यू आर रेडी टू गो. तो अभी ये सारे फीचर्स रॉबी अभी हमारे पास होंगे जो हमारा फ्री वाला प्लान है उसमें. फ्री वाले प्लान में आई बिलीव दैट ये कंटेंट स्टूडियो का क्रिएटिव असिस्टेंट नहीं होता. बट लेट मी चेक दैट. आई थिंक ये यू विल हैव टू गो इन द एसेंशियल प्लान. तीन प्लान्स होते हैं बेसिकली. एक तो फ्री होता है देन सेकंड इज एसेंशियल थर्ड इज स्टैंडर्ड. सो आई थिंक कुछ फीचर्स जो हैं वो फ्री में नहीं है. ज्यादातर तो फ्री वाले में सब कुछ है. दो तीन रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं
कि भाई 2000 से ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं हो सकती और लोगो जरूर चलेगा, बट उसके अलावा आई थिंक फ्री वाले में ज्यादातर सब कुछ है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये फीचर्स हमें दिखेंगे नहीं दिखेंगे, दिस इज आई जस्ट वांट टू कंफर्म। मैं आपको वैसे मैं एक बार देख लेता हूँ फ्री वाले में, बट हाँ आई वो वुड देख लेना, आप यू कैन कंटिन्यू, बाद में देख के आप मुझे बेशक बता देना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैंने सीता डॉट इन डाला, इसने अपने आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके वेबसाइट को एनालाइज किया और मेरे लिए इतने बढ़िया बढ़िया बैनर्स बना दिए। और लेट से मैं दिस एक ग्रेट। बैनर, यस अब ये मेरे लिए बैनर भी बन गया, मैं इसको शफल लेआउट कर सकता हूँ, मैं इसको, अच्छा मैंने लेआउट कर दिया, अब मैं इसको अगर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है मैं एडिटिंग करके साइजेस कर सकता हूँ, कंटेंट बदल सकता हूँ। लेट्स से वेलकम टू सीता डॉट इन, ये आ गया। और लेट्स से चेकआउट न्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन, ये आपका फर्स्ट क्लास का बैनर तैयार हो गया। तो आपको जो है मतलब इसकी इतनी एडवांस्ड एआई सिस्टम है कि इसने क्या किया, बस मैंने आपका वेबसाइट डाला, अपने आप इसने आपके वेबसाइट से थीमेटिक, आपका फॉन्ट, आपके कलर्स, आपका लोगो, सारी थीमेटिक प्रॉपर्टीज उठा ली, अपनी क्रिएटिविटी से एक बैनर इमेज ढूंढा, आपके वेबसाइट से ढूंढा, अगर आपके वेबसाइट में इमेज नहीं मिलता तो ये अपना भी सजेस्ट कर लेता है, एंड देन ये अपने आप ही एक बैनर बना देता है और आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कुछ कंटेंट चेंज करना है तो आप कंटेंट चेंज करो और ये बैनर आपका तैयार। उसके बाद आप इसको लाइब्रेरी में अपनी सेव कर दो। लेट से मैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़लेटर सितंबर का ये बैनर बन गया मेरा सेव। अब ये बैनर जो है ये दिस आई कैन ऑल्सो यूज इन माई सोशल मीडिया इन माई नेक्स्ट कैंपेन, आई कैन रीसाइज इट अकॉर्डिंग टू टू इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा सा लंबा चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे एडिट करके आई कैन जस्ट चेंज द साइज ऑल्सो, मैं इसकी रीसाइजिंग कर सकता हूँ बेस्ड ऑन, ये मुझे बता भी रहा है कि मेरे को किसके लिए चाहिए, तो ये अपने आप मतलब इट इज सो ईजी एंड दे हैव थॉट दिस थ्रू फॉर एवरीबडी। सो लेट्स से अब मुझे इसी बैनर को, बिकॉज नॉर्मली वॉट द स्ट्रगल ऑफ डिजाइनर्स इज दे मेक अ डिजाइन फॉर ईमेल, देन समबडी सेज यार ये ही चीज मुझे सोशल मीडिया में भी डालनी है, तो दे गो बैक टू देयर एडिटर्स एंड देयर टूल्स एंड देन दे चेंज द होल डिजाइन फॉर देयर सोशल मीडिया। अब आजकल सोशल मीडिया में भी साइज डायमेंशन अलग अलग हैं, ट्विटर की अलग हैं, लिंक्डइन की बिल्कुल अलग हैं, इंस्टाग्राम की बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट, अच्छा मुझे अब ये सोशल ऐड इंस्टाग्राम में डालना है, आई कैन जस्ट सिलेक्ट इंस्टाग्राम और इसने इंस्टाग्राम के हिसाब से अब मेरा साइज बना दिया। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी नाइस फीचर विच आई रियली लव अबाउट मेलचिम, दैट यू कैन एक्चुअली डिजाइन, आपका जो डिजाइनिंग का जो टेंशन है वो काफी हद तक मेलचिम सॉल्व कर देता है। आफ्टर दैट द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन इज इंटीग्रेशन, ये जो फोर स्क्वेयर्स का जो आइकॉन है ये इंटीग्रेशन ऑप्शन में ले जाता है, हियर यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट मेलचिम विद ऑल द अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सो दैट आपको जो ग्रैन्यूलर डेटा है जो आपके ऑडियंस के बारे में उस प्लेटफॉर्म में है वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कुछ चीजें जो आपको बाय डिफॉल्ट करनी ही करनी चाहिए, आपको गूगल इंटीग्रेट करना चाहिए, देखो गूगल तो एनालिटिक्स अकाउंट सबके पास होता है तो सबसे पहले आप गूगल इंटीग्रेट करो, ट्विटर फेसबुक सबके पास होता है वो जरूर इंटीग्रेट करो, जब आप फेसबुक इंटीग्रेट करते हो तो इंस्टाग्राम अपने आप हो जाता है, सो दैट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम सो यू कैन एक्चुअली। इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा कि जो विजिट करेगा हमारे पेज पर वो हम होगा कैसे क्या अगर आपने, आप दो एडवांटेजेस हैं, अगर आपने अपना सोशल मीडिया इंटीग्रेट कर दिया तो जब आप क्रिएट कैंपेन करते हो तो यहाँ पे यू कैन एक्चुअली डू अ सोशल पोस्ट, तो यहाँ पे क्रिएट अ सोशल पोस्ट में आप यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन बनाते हो मेलजिम में तो वो अपने आप आपकी जो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में अपने आप चली जाएंगी, यहीं से आपको अपने प्लेटफॉर्म में जाके अपलोड नहीं अच्छा। करने की जरूरत है। दूसरा बेसिकली अगर हमको ये सोशल पोस्ट यहाँ से करनी है तो हमें पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ बस यहाँ पे इंटीग्रेशंस में जाके दैट इज द स्टेप वन, मतलब ये अकाउंट ऑनबोर्डिंग जो होती है उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ आप ऑडियंस भी बनाना जब शुरू करते हो उससे पहले ये चीजें कर लो, इंटीग्रेशंस कर लो,
अपना डोमेन वेरीफाई और ऑथेंटिकेट कर लो, अपनी अकाउंट सेटिंग्स जो भी हैं वो सेटअप कर लो, बिकॉज ये चीज़ें डिफॉल्ट होती हैं। जैसे आपकी कंपनी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर है, आपके ईमेल टेम्पलेट के फुटर में अपने आप आ जाता है। आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग पार्ट, कलर्स देखने हैं और फॉन्ट देखना है, ये सारी चीज़ें पहले सेटअप करके रख लो। उसके बाद जो है, जो यू नो निटी ग्रिटीज, द माइनर बिट्स एंड बॉब्स, आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। सो ये जो चीज़ें हैं, दूसरी एडवांटेज इसकी क्या है, सबसे बड़ी, मान लो आपके ऑडियंस में, लेट से आई गो टू माई ऑडियंस, मेरे ऑडियंस में मैं देखता हूं व्यू ऑडियंस, लेट मी गो टू व्यू ऑडियंस, ऑडियंस डैशबोर्ड, व्यू ऑडियंस, नाउ आई एम सीइंग दैट देयर इज अ 26% ओपन रेट। दैट मींस दैट इन माय लिस्ट देयर इज 74% पीपल जिन्होंने कभी मेरी ईमेल खोली ही नहीं। Because those 74% people, maybe they are not active on their email, but they are active on their social media. So what I can do is, I can just go to my create button and I can click on add. And then I can select over here, Facebook, Instagram ad. And let's say I say retarget to non-openers. Begin. And this way I can create a social media campaign directly from here. So this is the biggest advantage, because when you go on social media, you have to choose audience and then you have to zero down on your target audience. But if your MailChimp is integrated with social media, this is how simple it is. Now I created retarget to non-openers. I selected Instagram and Facebook. Bas mujhe tick karna tha aur ho gaya. Audiences mein, यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा कॉन्टैक्ट्स, कस्टम ऑडियंस, सॉरी कॉन्टैक्ट्स ओवर हियर, एंड हियर आई सिलेक्ट माय ऑडियंस, इन सेगमेंट आई सिलेक्ट इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स, सेव। अब जो लोग मेरी ईमेल नहीं खोल रहे, कम से कम उनको मेरा सोशल मीडिया पोस्ट दिख जाएगा। एंड मिनिमम बजट जो है, आई बिलीव इट इज $7, अच्छा अभी इन्होंने और कम कर दिया, $5 कर दिया। Now I will put my banner जो मैंने already बनाया था for the demo purpose. So I go to browse, मेरी library खुल जाएगी, मैंने अपना banner choose किया और ये मेरा banner first class बन गया। And यहाँ पे मैं अपना link डालूंगा landing page का, title, description and मैं अपना ad को चढ़ा दूंगा। So this is how ये जो ad है, per ad there is a charge. Of course, this is like you know, अगर आप Facebook में भी marketing करोगे so you will put the Facebook budget. So whatever this money, this actually will go to Facebook. This will not go to MailChimp. MailChimp is not charging you this amount. This amount Facebook is actually charging for your ad budget. So MailChimp is just a middle person. It is just helping you to make things easier. Bajaye ki aap Facebook mein apna business account manager mein jao, fir create campaign, then create ad sets, fir aap apni list upload karoge Facebook mein. Because we are doing a very, very targeted campaign. सिर्फ हम उन लोगों को भेजना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, लेकिन उन तक हमारी ईमेल नहीं पहुंच पा रही। मे बी वो ईमेल खोल रहे नहीं है, या वो ईमेल में एक्टिव नहीं है, या उन्होंने अपनी सेकेंडरी ईमेल हमें दी थी जो वो चेक नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास उनका आपने इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स चुना है, तो इसमें तो वो भी कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे ना जो पहले एक्टिव थे अभी इनएक्टिव है। हाँ, जो जो बेसिकली इन अ रोलिंग पीरियड ऑफ लास्ट 50 कैंपेन्स, मेलचिम्प इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स की डेफिनेशन वो है कि जिसने पिछली 50 कैंपेन्स में कुछ भी नहीं किया, खोला नहीं, क्लिक नहीं किया, उसको वो इनएक्टिव मानता है। सो 50 कैंपेन्स बहुत ज्यादा होता है। इन अ रोलिंग पीरियड ऑफ 50 कैंपेन्स अगर किसी ने हमारी कैंपेन नहीं खोली, तो दैट मीन्स वो मतलब काफी टाइम से हमारी मार्केटिंग मटीरियल नहीं देख रहा, तो हम उसको सोशल मीडिया में टच करते हैं। सो ये दिस इज अ वेरी एडवांस फीचर विच यू कैन ऑल्सो यूज फॉर योर इफ यू आर इंटीग्रेटेड विद सोशल मीडिया। सेम थिंग अगर हम दोबारा इंटीग्रेशन में चलते हैं, सेम चीज आप गूगल के साथ भी कर सकते हो। ये ही मजे की बात है कि ये जो गूगल के साथ जब आप इंटीग्रेट करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपके वेबसाइट में, लेट से ये आपका वेबसाइट है, मैं आपके आज वेबसाइट में आया,
आपका वेबसाइट सर्व किया, आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन आई लेफ्ट द वेबसाइट, लेट्स से मैंने वेबसाइट बंद कर दिया. इफ योर गूगल एंड योर वेबसाइट इज इंटीग्रेटेड विद MailChimp, देन व्हाट विल हैपन इज दैट यू कैन ऑल्सो सेंड अ गूगल रीमार्केटिंग एड फ्रॉम MailChimp टू योर विजिटर्स. भले ही वो आपकी लिस्ट में नहीं है, फिर भी आप उनको एड भेज सकते हो. सो यू हैव टू इंटीग्रेट योर गूगल एनालिटिक्स फॉर दैट एंड MailChimp यू कैन इंटीग्रेट योर वेबसाइट यूजिंग कस्टम कोड. तो यहाँ पे आप वेबसाइट डालोगे एंड वो आपको एक ट्रैकिंग कोड दे देता है, राइट? तो यहाँ पे आपने जैसे वेबसाइट डाला sita.in और गेट कोड का बटन दबाया, ये इसने ट्रैकिंग कोड दे दिया, राइट? नाउ यू जस्ट कॉपी दिस ट्रैकिंग कोड एंड पुट इट ऑन द हेडर ऑफ योर वेबसाइट. What will that happen? This is a code from MailChimp. So MailChimp will start tracking the people who are visiting your website and it will allow MailChimp to target them if you want to. Let's say you want to do a Google ad. Aap notice karte ho, not a lot of times when you are surfing for a hotel, let's say you go to tripadvisor.com and aapne ek hotel ke baare mein padha, fir unke website pe gaye, fir aapne wo band kar diya. लेकिन अगले एक हफ्ते तक उस होटल के एड्स आपको एनडीटीवी के साइट में भी दिखने लगते हैं. वो रीमार्केटिंग के थ्रू होते हैं. बेसिकली दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग. तो रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग में ये फर्क है. बेसिकली रीमार्केटिंग होता है जो आपके वेबसाइट के विजिटर्स हैं उनको आप गूगल से रीमार्केट कर रहे हो, गूगल के थ्रू चल रहे हो. और रीटारगेटिंग होता है कि जो आपके ऑलरेडी लिस्ट में लोग हैं उनको आप सोशल मीडिया में रीटारगेट कर रहे हो. तो ये कई बारी मतलब लोग पूछते हैं कि भाई रीमार्केटिंग क्या है, रीटारगेटिंग क्या है, दोनों में क्या फर्क होता है. सो दिस इज बेसिकली द क्लैरिफिकेशन कि आप जो है गूगल में जब आप भेजते हो तो वो रीमार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया में जब आप करते हो तो वो रीटारगेटिंग होता है. आप नए लोगों को भी सोशल मीडिया में कर सकते हो, बट दैट इज अ सिंपल एडवर्टाइजमेंट, दैट इज नॉट रीटारगेटिंग बिकॉज आप नए लोगों को कर रहे हो. लेकिन अगर आप अपनी लिस्ट में से ही लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, बिकॉज ईमेल बिजनेस में ये तो सभी को पता है कि 20% लोग मैक्सिमम खोलते हैं ईमेल्स, 80% लोग तो ईमेल पढ़ते भी नहीं है. ऑन अ मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है, यू नो, अगर आप 1000 ईमेल्स भेजोगे तो 200 लोग खोलेंगे, 800 लोग खोलेंगे ही नहीं. सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद योर ईमेल, राइट दीक्षा? Diksha, am I right? Am I making sense? Sorry, I didn't get you here. I was noting down something. I was talking of your interest, your topic, social media. Yeah. I was talking about the fact that nowadays social media is more popular than emails. Right. So yes. We cannot ignore social media, and social media is number one. I always tell my customers that step one is social media, step two is email. Because if you want to... On social media, you can interact with your clients or customers on a real time. Like you can interact with them. Yeah. Bilkul. I always tell people that, dekho, email jo hai, wo data first approach hai. Emails to aap tabhi bhej paoge agar aapke paas customers ki list hai. Right. लेकिन आप वो लिस्ट को बढ़ाओगे कैसे? वो लिस्ट बढ़ेगी तभी अगर हमारे पास एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी हो. तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सोशल मीडिया में जो आप कैंपेन्स चलाते हो वो उसमें जब आपको इंक्वायरीज आती हैं, वो जब MailChimp में चली जाती हैं तो उससे आपकी लिस्ट बढ़ती रहती है. ईमेल्स का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है फॉलो अप्स. बहुत से लोग आज की डेट में मार्केटिंग करते हैं, वो बोलते हैं जी हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट है जी 10,000 कस्टमर्स की, आप इनको ईमेल भेजो. तो आई ऑलवेज टेल देम दैट लुक, इफ यू आर गोइंग टू सेंड अ कोल्ड ईमेल, इट विल एक्चुअली नॉट बेनिफिट. इट इज बेटर टू डू अ सोशल मीडिया कैंपेन, बिकॉज सोशल मीडिया में जब बंदा जाता है तो वो ज्यादा ओपन माइंडेड होता है. ही डज नॉट माइंड, अगर उसको आपका एड दिखेगा अपनी फेसबुक फीड में, ही विल नॉट फील बॉदर्ड, बिकॉज वो सोशल मीडिया में आया ही इसलिए है ताकि वो कंटेंट देखे. लेकिन अगर आप उसको अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे ईमेल भेजोगे तो वो बोलेगा अरे यार ये क्यों ईमेल कर रहे हैं, यू नो. सो ईमेल इज अ वेरी वेरी आई ऑलवेज से सोशल मीडिया इज अ पुल चैनल, ईमेल इज अ पुश चैनल. दोनों में एक फर्क है, पुल एंड पुश का फर्क है. सोशल मीडिया में आप अगर अपने पेज में दिन में 50 पोस्ट भी करोगे
दैट्स परफेक्ट, यू नो, बिकॉज जो लोग इंगेज करना चाहते हैं वो करेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो पेज को बंद कर देंगे. बट अगर आप किसी को 4 ईमेल भेज दोगे ना दिन में, तो वो रिप्लाई करेगा विद अ वेरी बैड ईमेल की व्हाई आर यू सेंडिंग मी सो मेनी ईमेल्स, यू आर स्पैमिंग. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म्स. तो मैं यही डिस्कस कर रहा था मैम के साथ कि यहाँ पे आप मेलचिम में यू कैन एक्चुअली क्रिएट banners for your social media very easily. I have a question about that. Like how many social media platforms you can operate from here? You can integrate Facebook, Instagram, and Twitter. Okay. So and for the ads, do we have to create different audience for every platform, or the same audience can also go? Same audience. That's the beauty of it. जब आप ad चलाते हो, you can actually create one audience and उसी audience को आप Facebook और Instagram में you can create an ad. Twitter में ad नहीं चलता. Twitter में ad नहीं चलता MailChimp के through. Facebook and Instagram के through ad चलता है. And organic post आप भेज सकते हो अपने पूरे. Organic I've understood, but if I want to select different audience for Facebook and Instagram, how I can go about that? मैं like आपको बताता हूँ. वेरी सिंपल. स्टेप वन, यू विल क्रिएट अ कैंपेन. कैंपेन में यू विल सिलेक्ट एड. स्टेप नंबर टू. देन स्टेप नंबर थ्री, यू विल सिलेक्ट फेसबुक इंस्टाग्राम एड. नाउ लेट्स से आप फेसबुक में अलग ऑडियंस को भेजना चाहते हो, इंस्टाग्राम में अलग. तो आप पहले सिर्फ एक फेसबुक का एड बनाते हो. बिगिन. ठीक है. आफ्टर दैट यहाँ पे वो पूछता है आप किस ऑडियंस को ये एड दिखाना चाहते हो. वहां पे ये आपको चार ऑप्शन देता है, विच इज अमेजिंग. इफ यू लुक एट द फोर ऑप्शंस दैट इट विल गिव यू, यहाँ पे ये ऑडियंस आ गया. जब आप एडिट ऑडियंस करते हो तो ये पूछता है यू वांट टू फाइंड न्यू पीपल, या आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट इन योर ब्रांड, और आपको कोई कस्टम ऑडियंस बनाना है अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक्स, और आपको टारगेट करना है अपने वेबसाइट विजिटर्स. चार तरह के ऑडियंसेस को आप ऐड दे सकते हो डायरेक्टली, और आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है लिस्ट फेसबुक में जाके अपलोड करो, उसका एड सेट बनाओ, फिर उसको स्टार्ट करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेलचिम के पास डेटा पहले से ही है. उसके पास आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उसको ये भी पता है कि कौन ईमेल खोलता है, कौन नहीं खोलता, कौन से लोग आपके वेबसाइट में आते हैं, कौन से लोग आपके वेबसाइट में नहीं आते हैं. तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट कस्टम ऑडियंस ऑल्सो बेस्ड ऑन योर डेमोग्राफिक. यू कैन क्रिएट audiences based on your list. अब मान लो आपके पास list है, आप भेजना चाहते हो based on a segment. Let's say you create a custom segment कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ lawyers मेरी list में जाएं. तो मैंने tag select कर दिया lawyer. तो अब ये सिर्फ lawyers के लिए ad बनेगा मेरी list में, नए लोगों को नहीं जाएगा. But अगर मैं चाहता हूँ कुछ मैं नए लोगों, क्योंकि अगर हम उन्हीं लोगों को भेज रहे हैं, we are engaging with our customers. But let's say we want to grow our customers, then what will we do? We will select new audience. Now what it will do is, I will click similar to my audience, and यहाँ पे मैं क्या select करूँगा? I will select my most active subscribers. तो ये क्या होगा? जो आपकी list में सबसे active subscribers हैं, जो आपकी रोज campaign पढ़ते हैं, जो आपके अच्छे customers भी हैं, आप उसका ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हो अब इस समय, और उसके डेटा के हिसाब से वो सिमिलर लोगों को ढूंढेगा. बेसिकली आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द लुक अलाइक राइट इन फेसबुक. सो बेसिकली दिस इज अ लुक अलाइक. लाइक यू मल्टीपल मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है ऑडियंस की? मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो सकती यहाँ पे, बट यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड्स फॉर मल्टीपल ऑडियंसेस. So a campaign will go to one typical audience, right? Then you can suppose अगर हमारे को ये existing contacts को भी भेजना है और हमारे website visitors को भी भेजना है, तो हम दोनों को select नहीं कर सकते. दोनों को नहीं कर पाओगे आप, because that will be a separate audience altogether. So ठीक है. And अगर contacts में वो email है या वो contact है और website visitors में same है, और अगर हम दो भेज रहे हैं ये campaign, separate campaigns भेज रहे हैं, तो क्या ये जो डुप्लीकेट है उसको आइडेंटिफाई करके करेगा? जब नॉर्मली क्या होता है फेसबुक में, वो आपको एक एड बार बार नहीं दिखाता. सो जब आप बेसिकली जो चैनल है वो तो फेसबुक है एंड ऑफ द डे,
So Facebook will not show the ad to the both the people to the same person twice. So उसमें कोई matter नहीं करता कि अगर duplicate है भी तो it doesn't matter. Will it show the reach? Yeah. It will show you the reach, the engagement, everything. No, like the estimated reach. If I select new people, so how many reach my ad will get? Estimated. It will show you the estimate. Okay. Where it will show? So let's say I have saved it. Now when I run the campaign, in the reports, it will show me the estimated reach. I will have to add the campaign and actually run it. Okay. So it will show here in the right side. Of course. Okay. Got it. And Twitter, it will not, we won't Twitter, be able to... Twitter right now, it does not allow ads basically from MailChimp. Hmm. But Facebook and Insta, you can run ads. Twitter, aap social media post kar sakte ho. Yeah. Normal wo jo free wala hota hai, wo kar sakte hum. Okay. So this is where you can easily create your social media ads as well as Google ads also. So ye aapka. So for YouTube also we can create, right? For YouTube actually you cannot create a ad from here. That is one thing. But you can do the Google remarketing ad. So Google remarketing ad kya hota hai? Jo aap dekhte ho advertisements website. Yeah. So बस वही वो दिखती है Google remarketing. So for Google it only offers the remarketing ads. Correct. Okay. So this is where we are on the integration aspect. Then the last option, this is not relevant to you. This is only for partners. Then the last, this below this is search. You can actually search anything. Let's say you want to find a data, you can easily find the data. Anything you want to find, you can just, if you select campaigns, it will search only campaigns. If you select contacts, it will search contacts. And by default, it will search everything. So let's say I want to search Rajni ma'am, I can just enter Rajni. Okay. So you see Rajni ma'am is in the database. So it has a very good search engine. I can search a contact very easily in my list and find the data. Now, when I click on my, let's say Rajni ma'am ka maine contact pull kiya, it is showing me ki what date she was added. So, I had a word with her on the 13th of July. So, mere paas exact date and time hai. I have all the information. I also know ki what is the open rate. So, humne ko email bheji ho gayi Rajni ma'am ko promotional. To usme se kitni emails ma'am ne padhi, kitni nahi padhi. I have other details also. So this is also very good for teams. Let's say you have a CRM and four people are working. Four people can, aisa nahi hai ki matlab ek banda kaam kar raha hai, dusre bande ko pata nahi hai ki iske saath kya ho raha hai. You can just go into your MailChimp and see the history of the contact and learn about their data. So this is a good feature of the search feature, and your profile data is very nicely shown over here. So this is the basic overview of your MailChimp account. Up the account itself, I will talk about briefly about your account settings because wo bahut important hai. Uske baad I will discuss the details of your list. Ye to aapka ho gaya jab aapka MailChimp account on a day-to-day basis, aapne bas ye 5-6 button jo aapke left mein hai, usi se khelna hai. But what about your setting up? जब आप अपना account लोगे सबसे पहले, तो जो भी आपकी settings हैं, वो आपके बिल्कुल bottom में ये profile bubble होएगा. इस पे जब आप click करोगे, तो ये options आते हैं. These are all related to your account. Notifications, if there are any updates important, तो वो notification में आते हैं. अगर आपके एक से ज़्यादा account है, तो switch account. प्रोफाइल में आपके जो यूजर की प्रोफाइल है, आपका नेम, तुमने इसे वो पकड़ा था कि तलवार वगैरह नहीं थी? सॉरी मिचेल, ये तो हो जाएगा. सॉरी ऑल राइट, एम आई देयर, एम आई ऑडिबल? या ओके ओके.
So then you have your profile, then you have your account. This is the most important feature. When you click on your account, this will take you to the dashboard of your MailChimp account center. यहाँ पे आप अपनी बिलिंग देख सकते हो, आपका अकाउंट की क्या सेटिंग्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, योर डिफरेंट अदर सेटिंग्स. लाइक जैसे मैम ने पूछा कि वो जो लोगो आता है टेम्पलेट्स में, वो आपको कैसे हटाना होगा. यू विल गो इनटू योर एक्स्ट्रास, देन सिलेक्ट रेफरल्स. यहाँ पे आप टिक कर दोगे कि लोगो मत दिखाओ. अगर आप ये इसको ऑन करोगे तो बैच दिखेगा, अगर आप ऑफ कर दोगे तो बैच नहीं दिखेगा. बट फ्री अकाउंट में बैच दिखता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू नो, जब आप अकाउंट लेते हो, आप जब पे करोगे, तो फर्स्ट स्टेप इज कि आप सबसे पहले रेफरल बैच हटाओगे. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज सेटिंग्स में जाके डिटेल्स. यहाँ पे योर इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, योर कंपनी नेम, योर टाइम जोन. जब आप मेलचिम्प लेते हो तो उसका डिफॉल्ट टाइम जोन न्यूयॉर्क होता है, विच इज अ वेरी बिग ब्लंडर. बिकॉज अगर आपने कोई कैंपेन भेजनी है सुबह के 10 बजे, वो चली जाएगी रात शाम के 7 बजे, क्योंकि अगर आपने न्यूयॉर्क टाइम सेट किया है तो स्केड्यूलिंग में गड़बड़ हो सकती है. सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाके डिटेल्स में जाना है, एंड आपको अपने टाइम जोन्स, अपने सारी अकाउंट सेटिंग्स सेटअप करनी है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्राइमरी अकाउंट में सारी प्रॉपरली डालनी है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपके टेम्पलेट में आ जाती है बाई डिफॉल्ट. खासकर ये जो बिलिंग एड्रेस है और फोन नंबर्स, जब आप टेम्पलेट बनाओगे तो बाई डिफॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो टेम्पलेट में अपने आप आ जाती है. तो बार बार टेम्पलेट को एडिट करने से अच्छा है कि अगर हम अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली भरें तो फिर हमें टेम्पलेट में वरी नहीं करना पड़ता. कोई अर्जेंट कैंपेन है, बस आपने क्रिएट टेम्पलेट किया, कंटेंट डाला और सेंड का बटन दबाया. हेडर, फुटर, और अगर आपने कंटेंट स्टूडियो में अपना लोगो अपलोड किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मिलती हैं. आप कंटेंट डालो, और अगर आपने जो क्रिएटिव असिस्टेंट से बैनर्स बनाए हैं तो बैनर भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. सो आप काफ़ी हद तक ना आपकी सारा जो मार्केटिंग है ऑटो पायलट हो जाती है. सो दीज आर द थिंग्स विच आई रिकमेंड इन योर अकाउंट सेटिंग्स. नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्चुअली MailChimp डज अ वेरी गुड जॉब ऑफ हाइडिंग इट, बट आई विल टेल यू. Go into settings. Okay, now this is a secret. Go into settings and then click security. Over here, enable two-factor authentication and you will immediately get a 10% discount for 3 months. Wow. So they are very shrewd. They have done a very good job of hiding this feature. But I think when you buy the account, first thing you do, go into security and then set up this option. So actually, how to set up this option? Very simple. Just go into settings, then security, and then you can just configure either using an authenticator or it has a SMS feature also. Yeah. In your account verification, you can click enable to verify your identity with SMS. So basically, to MailChimp matlab encourage karna chahta hai. Uski intention achhi hai ki wo 10% aapko discount tabhi dega agar aapka account secure hai. और अकाउंट सिक्योर होने से आप ही का फायदा है, बिकॉज देन बिकॉज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, नोबडी शुड बी एबल टू हैक इट. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दिस एंड यू कैन गेट 10%. सो यू कैन गिव मी दैट 10% एज अ सो ये आपकी जो है अकाउंट सेटिंग्स हो गई. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बिलिंग, मंथली प्लान्स एंड क्रेडिट्स. So click on your billing and then go to monthly plans. अब मैं आपको MailChimp के pricing tiers समझा देता हूँ. थोड़े से confusion इसमें ये रहती है कि इसके 4 plans हैं, फिर हर plan के tiers हैं. तो 4 क्या plans हैं? पहला plan तो free है, ठीक है ना? फिर दूसरा essential है, तीसरा standard है, चौथा premium है. ये जो हैं, ये तीनों चारों plans, इसके अलग अलग tier होते हैं और इसके अलग अलग कुछ features होते हैं. जो एसेंशियल प्लान है इसमें आप आपके जो बेसिक जो फ्री में जैसे आप बैचेस होते हैं वो हट जाता है, आपकी ऑटोमेशंस हैं वो सारी वो फीचर्स जो हैं एसेंशियल में आपको मिल जाते हैं. अगर आपको एडवांस्ड ज़्यादा यूजर्स चाहिए, आपको एक से ज़्यादा ऑडियंस चाहिए, तो आपको स्टैंडर्ड प्लान लेना चाहिए. स्टैंडर्ड प्लान में थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं. जो एसेंशियल प्लान है इसमें कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं?
हाँ जो एसेंशियल प्लान है उसमें भी अलग अलग टीयर्स होते हैं कॉन्टैक्ट्स के। सो यही मैं आपको कंफ्यूजन जो है क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे यू कैन स्टार्ट विद द एसेंशियल प्लान, आई ऑल्सो रिकमेंड दैट यू कैन स्टार्ट विद एसेंशियल इफ यू डोंट हैव मोर देन 3 यूजर्स। एसेंशियल प्लान आपको 3 यूजर्स देता है, मतलब 3 लोग एक ही टाइम पे आपके अकाउंट में लॉग इन करके काम कर सकते हैं एसेंशियल में। हाँ, एसेंशियल आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपके जो हैं फिर प्लान्स के अलग अलग टीयर्स हैं, तो आप मैक्सिमम एसेंशियल में 50,000 कॉन्टैक्ट्स तक जा सकते हो। अच्छा, 50,000 का आपका पड़ता है, अगर मैं इसको INR में करता हूँ तो आपके 20,000 रुपीज में आपके 50,000 सब्सक्राइबर, तो मोटा 20,000 अ मंथ। हाँ जी, 40,000 पर। हाँ, और इसमें कितनी ईमेल्स है पर कॉन्टैक्ट? पर कॉन्टैक्ट आप भेज सकते हो, इफ यू आर हैविंग 50,000 कॉन्टैक्ट देन यू कैन सेंड 5,00,000 ईमेल्स, मतलब 10 ईमेल्स पर कॉन्टैक्ट। 10 ईमेल्स पर कॉन्टैक्ट वाला फंडा नहीं है, बेसिकली 50,000 लोगों को आप 5,00,000 ईमेल भेज सकते हो एक महीने में ना। हाँ जी, इतनी तो होंगी ही नहीं हमारी कंज्यूमर। हाँ जी, मतलब मोटा मोटा आप 10 कैंपेन भेज सकते हो एक महीने में। ठीक है, और सोशल मीडिया हाउ वी कैन ऐड द बजट? सोशल मीडिया में यू जस्ट हैव टू ऐड योर क्रेडिट कार्ड इन योर बिलिंग, जब आप ऐड पेमेंट मेथड करते हो उसके बाद जब आपका जो भी आप बजट सेट करते हो वो आपके क्रेडिट कार्ड से बिल होकर फेसबुक या इंस्टाग्राम में वो मेलचिम अपने आप पे कर देता है आपके बिहाफ पे। सो दैट इज सेपरेट, वो तो सोशल मीडिया का तो सिर्फ जो देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर सोशल मीडिया। बेसिकली सोशल मीडिया, वेबसाइट, डोमेन्स, पोस्ट कार्ड, इसका कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। दैट इज व्हाई मेलचिम डज नॉट चार्ज पर ईमेल, मेलचिम चार्ज पर सब्सक्राइबर, बिकॉज इट सीज अ सब्सक्राइबर एज अ कस्टमर। अगर आप एक कस्टमर के लिए 40 पैसे दे रहे हो, आई थिंक इट इज वर्थ इट, क्योंकि उसकी वैल्यू 40 पैसे नहीं है, वो तो आपको लाखों का बिजनेस देगा। सो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ मेलचिम, दे डोंट चार्ज यू पर ईमेल, दे चार्ज यू पर सब्सक्राइबर, बिकॉज एक सब्सक्राइबर को एक ईमेल से कन्वर्जन नहीं होगी, यू हैव टू नर्चर द रिलेशनशिप विद अ सब्सक्राइबर, सो यू हैव टू सेंड देम वन कैंपेन एवरी 2 weeks और एवरी वीक, एवरी मंथ। And then, you know, a lot of e-commerce clients, they actually say that हमें email में compared to other forms of marketing, हमें email से 40 गुना ROI मिलता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं that email is the best form of ROI. But will each customer convert in the very first email? No. कुछ customers 4 email बाद convert होते हैं, कुछ customers 10 contacts के बाद होते हैं। हमने कई कई अकाउंट्स में देखा है कि सब्सक्राइबर जिस डेट पे आता है उसके 1 साल बाद वो कस्टमर बनता है। सो जो सेल साइकिल जिन बिजनेसेस में लंबी होती है, यू शुड हैव समथिंग लाइक अ मेलचिम वेयर यू आर नॉट बीइंग चार्ज पर ईमेल, यू आर जस्ट बीइंग चार्ज पर सब्सक्राइबर, फिर आप उस सब्सक्राइबर को जितनी मर्जी ईमेल्स भेजो। सो दिस इज योर एसेंशियल पैकेज। Okay, essential package, is there a space limit or something for the mailers? कुछ मतलब कुछ size हो particular, उसके beyond आपकी 2 email count होंगी या कुछ ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। size का कोई constraint नहीं है? नहीं, ऐसा कोई constraint नहीं है। Yes, technical constraint ये होता है, but theoretically speaking, अगर आपकी ईमेल 1 MB से लंबी होती है ना, तो मेलचिम उसको काट देता है। मेलचिम नहीं काटता, सॉरी जीमेल काट देता है। लाइक जैसे अब ये ईमेल है, ये हार्पर कॉलिन पब्लिशिंग हाउस से आई है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग पब्लिशिंग हाउस, इफ यू लुक एट देयर ईमेल, आप नोटिस करोगे ये छोटा सा आ रहा है ना मैसेज क्लिप्ड व्यू एंटायर। अब क्या हुआ है, ये इन्होंने बहुत लंबी ईमेल बनाई है। They have lots of genres because they are a publishing house. तो इनको fiction, non-fiction, children, coming soon, audio books. तो ये देख रहे हो audio books पे कट गया email. अब इसमें MailChimp की गलती नहीं है, Gmail का रूल है, Gmail का एक स्टैंडर्ड है कि भाई हमारी जो ईमेल है 1 MB से लंबी नहीं होनी चाहिए, या तो 1,000 lines of code या फिर 1 MB of data. तो 1,000 lines, अगर हमारा कोड जो है 1,000 lines से लंबा है, तो फिर वो ईमेल को वहीं पे ट्रिम कर देगा जहां पे 1,000 lines खत्म हो रही है। अब देखा था आपने, ईमेल कमिंग सून ऑडियो बुक्स पे कट गई थी, ये नीचे का पार्ट मिस हो गया मेरा।
तो ये चीजें जो है ये थियोरिटिकली देखा जाए तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बट हाँ अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो ये टेस्टिंग के टाइम पे आपको जो है अपने आप पता लग जाएंगी लिमिटेशंस की, भैया हम टेस्ट कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स की, अगर आपकी परसेंटेज जीमेल यूजर्स हैं तो कोशिश करो कि 1000 लाइन से लंबी ईमेल ना हो और एक बार टेस्ट करके भेजो, बट आई थिंक देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन एज सच की पर ईमेल। नहीं वैसे तो वी ट्राई एंड यू नो नॉट सेंड बिकॉज सब्सक्राइबर के एंड पे भी जो ऑडियंस है उसके एंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना साइज के लिए, बिल्कुल हार्डली तो हम कोशिश यही करते हैं कि कम साइज की ईमेल्स हो, हैवी ईमेल्स ना हो। यस यस ईमेल्स यू नो अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है आप क्या कर सकते हो, मेलचिम में ऑप्शन है लैंडिंग पेज का, यहाँ पे आप क्रिएट पे जाओ और आप यहाँ पे सिलेक्ट करो लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या करता है कि आपके लिए लेट्स से आपको फर्दर रीडिंग के लिए आपको इंफॉर्मेशन डालनी है तो वो इंफॉर्मेशन आप अपने लैंडिंग पेज में डाल दो। लेट्स से आपने कोई एक डेस्टिनेशन के बारे में लिखना है तो आपने उस डेस्टिनेशन का आपने ईमेलर भेजनी है जिसमें 4 डेस्टिनेशन है तो आप 4 लैंडिंग पेज बना दो और फिर उस हर डेस्टिनेशन के बारे में अच्छे से बात कर सकते हो उसके सेपरेट लैंडिंग पेज में, और ईमेल में सिर्फ उस डेस्टिनेशन की फोटो और उस फोटो पे लैंडिंग पेज का लिंक डाल दो। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, अगर आप ताज की ईमेल देखोगे हायट की ईमेल देखोगे तो वो उनके कई सारे होटल्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया तो वो होटल की बस फोटो डालते हैं और उसके बाद अवेलेबिलिटी का एक बटन जब आप प्रेस करते हो फिर वो उस होटल की लैंडिंग पेज में चला जाता है। तो यहाँ पे आपने लैंडिंग पेज बना दिया, सेव कर दिया। तो आप हमें विल टीच अस हाउ टू डू इट ना पूरा अभी? हाँ मैं आपको देखो टीच पूरा तो नहीं बट आई कैन सी बिकॉज जो 12 साल में अब मैं सीखा है वो मैं 2 घंटे में आपको आई कैन ट्राई टू स्क्वीज इट कि 2 आज में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, बट इसमें कोई सीखने वाला ऐसा एज सच नहीं है। आई कैन गिव यू अ गाइड। अगर हम एक कैंपेन पूरा बनाकर एक अगर भेजते हैं वी कैन यू नो एक मुझे कैंपेन का और एक मुझे जो सेगमेंटेशन लिस्ट है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिटेल्स हम कैप्चर करते हैं और जो मतलब टैब्स मेलचिम में है हमें वो कस्टमाइज करने का ऑप्शन देगा एसेंशियल प्लान आपको देगा। हम एसेंशियल लेते हैं तो बिल्कुल देगा आपको एसेंशियल। एक काम करते हैं मैम, आज के सेशन में मैं आपको सेगमेंटेशन कवर कर लेता हूं और एक और सेशन कर लेते हैं, आई डोंट माइंड, आई विल ऑफर यू अ कॉम्प्लीमेंट्री सेशन। एक और सेशन में हम एक मॉक कैंपेन करेंगे, ठीक है? या तो एक काम करते हैं, अभी जैसे देवेंद्र और दीक्षा मेरे हमारे साथ में है तो जो अगर उनका पार्ट है जैसे वेबसाइट का है दैट इज बेसिकली वेबसाइट एंड डिजाइन थिंग इज बेसिकली फॉर देवेंद्रस पार्ट। ओके सोशल मीडिया इज फॉर दीक्षास पार्ट। ओके ठीक है। हाउ वी वर्क एट राइट नाउ इज देवेंद्र सेंड्स मी HTML जो कि मैं नेटकोर से कैंपेन भेजती हूँ टू टारगेटेड ऑडियंस। दिस इज हाउ द थिंग इज एट प्रेजेंट। सो अगर देवेंद्र इसी में ही डिजाइन कर पाए या मैं भी डिजाइन कर पाऊँ जो भी करता है तो एक तो हम वो कवर कर लेते हैं, एक सोशल मीडिया दीक्षा का जो पार्ट है वो कर लेते हैं। अगर टाइम रहता है तो आप मेरे को कैंपेन का और सेगमेंटेशन का एक बार बताएंगे और प्लान का मेरे को बिकॉज वी हैव यू नो एग्रीड ऑन द स्टैंडर्ड प्लान। तो स्टैंडर्ड में और एसेंशियल में क्या डिफरेंस है अगर हम एसेंशियल लेते हैं अभी के लिए तो कुछ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा कहीं पे? अगर नहीं है तो फिर वी विल गो फॉर एसेंशियल। आई विल डिस्कस दिस विद देवा एंड देन कॉम्प्रोमाइज नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड प्लान जो होता है उसमें एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे आपका ऑटोमेशन जो जर्नीज हैं वो की जो कि अभी आप इमीडिएटली यूज नहीं करोगे। यस आप कभी भी प्लान को अपग्रेड कर सकते हो सो व्हाई पे नाउ। आपको इवेंचुअली देखो स्टैंडर्ड प्लान इज द बेस्ट प्लान इन द मार्केट राइट नाउ। इवेंचुअली आपको स्टैंडर्ड चाहिए होगा बट व्हाई पे फॉर स्टैंडर्ड जब आप वो फीचर्स यूज ही नहीं करोगे। अभी जो है आपको बेसिक एसेंशियल प्लान की जरूरत है फर्स्टली एंड आफ्टर यू यूज इट आफ्टर 4-5 months व्हेन यू आर मेकिंग एडवांस कस्टमर जर्नीज एंड व्हेन यू आर डूइंग इफ कंडीशंस एंड ऑल दैट थिंग्स देन यू विल नीड अ स्टैंडर्ड प्लान। लेट्स से यू हैव मोर देन 3 users देन ऑल्सो यू विल नीड स्टैंडर्ड प्लान। बट आई थिंक अभी जैसे आप दीक्षा एंड देवेंद्र 3 people can already go in your users। यहाँ पे आते हैं अकाउंट में जाके सेटिंग्स यूजर्स, यहाँ पे आप 3 users डाल सकते हो। यू कैन ऐड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यस आप इनवाइट करो, आप उनका
आप यूजर को चार तरह की अथॉरिटी दे सकते हो, आप व्यूअर बना सकते हो, ऑथर बना सकते हो, मैनेजर और एडमिन। व्यूअर है जैसे अगर आपकी कंपनी में कोई है जो सिर्फ, जैसे मान लो फ्यूचर में आप एक महीने बाद आप मुझे बोलते हो कि रॉबी लुक एट माय कैंपेन एंड सी द एनालाइज ओनली द रिपोर्ट्स, बट आप ये नहीं चाहते कि मैं आपकी डेटा देखूं, तो आप मुझे एज अ व्यूअर बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके लेट से यू हायर अ थर्ड पार्टी डिजाइनर, आप चाहते हो कि बस वो डिजाइन करे कैंपेन लेकिन वो कैंपेन भेजे नहीं और वो डेटा नहीं देख सकता, तो उसको आप ऑथर बना दो। अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा आपकी कैंपेन मैनेज करे और कैंपेन और डेटा को इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, ये सब चीजें, सॉरी डेटा को मैनेज करे ग्रुप्स को, तो उसको आप मैनेजर बना सकते हो। लेकिन मैनेजर बिलिंग नहीं देख सकता और मैनेजर डेटा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, डेटा फिर भी सिक्योर रहती है, ठीक है। और फाइनली एडमिन, तो एडमिन जो होता है वो सब कुछ कर सकता है। So you can make, you will be the account owner and the owner is automatically the admin. उसके बाद then you can add three more users. तो आपके जो है तीन users हो गए essential plan में। हाँ, कल को जब आपको, मान लो आपकी, आपको टीम बड़ी करनी है, आपको और यूजर्स डालने हैं, तो आपको स्टैंडर्ड चाहिए होगा। कल को आप बोलते हो जी मुझे ऑटोमेशन जर्नीज में इफ एल्स कंडीशन डालनी है, तो आपको स्टैंडर्ड प्लान चाहिए होगा। आप बोलते हो मुझे तीन से ज्यादा ऑडियंस चाहिए, तब आपको स्टैंडर्ड प्लान चाहिए होगा, जो कि ये 6 महीने के जर्नी में कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी इनमें से किसी फीचर की, तब देखा जाएगा। आप अपग्रेड का बटन दबा सकते हो यहाँ पे, है ना। अब आपके जब बिलिंग में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एक बटन देता है मेलजिम, डाउनग्रेड का भी देता है और अपग्रेड का भी, और इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। मतलब अगर आपने जैसे मान लो महीने का सब्सक्रिप्शन ली और आपने 20 दिन बाद अपना अकाउंट अपग्रेड कर दिया, तो वो आपको सिर्फ वो 20 दिन का ही चार्ज करेगा प्रो रेटा बेसिस पे। हाँ, वो प्रो रेटा कर देगा अपने आप, और वो आपको बिल में अच्छी तरह कैलकुलेट करके बताता है सारा कुछ। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब ये हैं इसमें ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन आ गया, तो आप कभी भी अपना टीयर बढ़ा सकते हो, आप अपने प्लान को नीचे भी ला। अब जैसे मान लो आप स्टैंडर्ड में हो, आपने रियलाइज किया कि यार आई एम पेइंग $30 मोर, आई एम पेइंग $27 मोर अननेसेसरली, यू कैन क्लिक एसेंशियल एंड देन यू कैन क्लिक डाउनग्रेड। तो अपग्रेड का भी ऑप्शन है, डाउनग्रेड का भी ऑप्शन है, पॉज का भी ऑप्शन है। मान लो आपने अकाउंट सब्सक्राइब किया, आपका बिजनेस सीजनल है, बहुत से लोग कई बार ये कंप्लेंट करते हैं कि मेलचिम तो हर महीने बिल करता है, इस महीने तो हमने कैंपेन करी ही नहीं, हम क्यों पैसा दें। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉज का, आप सिंपली पॉज कर दो। अगर आपका बिजनेस सीजनैलिटी को इफेक्ट करता है, यू कैन जस्ट क्लिक टेम्पररली पॉज एंड आपकी बिलिंग पॉज हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। यस, सो ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने देना ही देना है, बट एक कैच जरूर है इसमें, ये सिर्फ साल में 2 पॉजेज अलाउ करता है। अच्छा, सफिशियंट। आप मतलब जो है बहुत से लोग हैं जो सीजनैलिटी है, 2-3 महीने कैंपेन नहीं करते साल में, तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है आप पॉज कर लो एक बारी, आपको एक क्वार्टर में, जिस क्वार्टर, अगर साल में 2 क्वार्टर हैं तो आप 2 बारी पॉज कर सकते हो और बाकी 2 बारी चलाओ कैंपेन्स। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड फ्लेक्सीबिलिटी आपको फुल मिलती है मेलचिम में, एंड यू शुड हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। बट व्हाटएवर, या सो अभी मैं, यू आर राइट, मैं काम करता हूँ, आई विल कवर द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पलेट एंड टेम्पलेट डिजाइनिंग, बिकॉज आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ, फॉर दीक्षा ऑल्सो एंड देवेंद्र ऑल्सो। सो लेट्स गो टू आर कैंपेन्स। ओके देवेंद्र, कैंपेन्स में अब आपको मान लो आपको ईमेल कैंपेन भेजनी है, राइट? सबसे पहला स्टेप हमें किसको भेजनी है, वी वॉन्ट टू नो आर रिसिपियंट्स। So we will go to our first audience, view contacts. अब मुझे सिर्फ अपने आप को भेजनी है, रजनी मैम को भेजनी है, देवेंद्र को भेजनी है और दीक्षा को। तो what will I do? I will just search, let's say रजनी, okay, view profile. I will create a new tag, Sita training program, and I will just tag this contact. So Rajni ma'am's tag. Now I go back to my audiences. I will search for Robbie. Itne sare Robbie aa gaye.
view profile and I will give myself a tag. Oh, site training program लिख दिया, कोई बात. Okay, so उसके बाद I will search for your contact. आपकी ईमेल क्या है सर? It's devendra.sharma. I will add your contact. So this is a good practice. इसमें आपको audience management का भी एक brief मिल जाएगा. इसमें list upload भी हो जाती है, single contact और बिल्कुल बिल्कुल. लिस्ट अपलोड ही तो इसका सबसे बेस्ट फीचर है, बहुत इजीली ये रिकॉर्ड करता है. स्पेलिंग इज फाइन? यस, इट्स गुड. सो आई विल टैग. Deeksha, what is your email? It's DWE. DWE. KSHA. KSHA. Sharma. Okay. There's a dot? No. At Sita dot. Is this correct? Yeah. Perfect. तो ये मैंने टैग कर दिया. नाउ आई वॉन्ट टू सेंड अ कैंपेन, राइट देवेंद्र? सो हम कैंपेन्स में जाएंगे सबसे पहले. आई थिंक रवि, आई थिंक दीक्षा, योर ईमेल आईडी इट्स deeksha.sharma. इट्स डॉट शर्मा. ओके, डजंट मैटर. नहीं, फिर आपको मेल नहीं आएगी ना, हम टेस्ट भी कर लेंगे. अभी ठीक कर देते हैं, दो मिनट. हाँ जी, इट इज दीक्षा डॉट शर्मा, करेक्ट? ओके, so now we will go to our campaigns. अब हमने अपना audience setup कर लिया, हमने tag डाल दिया सीता training program. तो जिन लोगों को सीता training program tag हुआ है, सिर्फ उन्हीं को ये campaign भेजेंगे हम. अब next step जो है designing. तो हम सबसे पहले email template में जाएंगे. ये जो आपने tag करा है, ये वो एक ही audience के under ही आएगा? एक ही audience के under ये tag आएगा, और जिनको tag किया सिर्फ वो ही मेरी segment में आएंगे. और एक ऑडियंस में कितने टैग्स मैक्सिमम, या फिर कितनी लिस्ट्स हम वो कर सकते हैं? आप एक ऑडियंस में टैग्स अनलिमिटेड है, मतलब आप 1 मिलियन भी बना सकते हो, 2 मिलियन भी, मतलब जितने मर्जी बनाओ टैग्स. जैसे अगर मैंने एक ऑडियंस बना ली, मैं आपको थोड़ा इसको आई टेक सम टाइम हियर बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें क्या है, जैसे मैंने एक पूरी कंसोलिडेटेड मास्टर बना लिया. ऑडियंस हम 3 ही बना सकते हैं इसमें? ऑडियंसेस आप 3 ही बना सकते हो, और हर ऑडियंस मल्टीपल वो बना सकते हैं टैग्स, मल्टीपल टैग्स बना सकते हो. आप ऑडियंसेस 3 मत बनाओ, आप सिर्फ एक ही ऑडियंस बनाओ, बिकॉज ऑडियंसेस इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, मैं आपको आराम से समझाऊंगा. होता क्या है कि कई बार आप 3 ऑडियंस बनाते हो, एक ही कॉन्टेक्ट तीनों में पड़ा होता है. नहीं नहीं, मैं वो इसी पे आ रही हूँ. मैं आपको बताती हूँ कैसे. जैसे हमारा, अगर मैं एक मास्टर लिस्ट बना लू सपोजिंगली 1 ऑडियंस मेलचिम लैंग्वेज, उसके अंडर मैं अगर 3-4 टैग्स करूं, सीता जो हमारे ब्रांड्स हैं, सीता एंड डिस्टेंट फ्रंटियर्स एंड TCI गो वेकेशन एंड TCI, ठीक है? ये 4 ब्रांड्स हो गए, ठीक है? अब इन ब्रांड्स के अंदर मैं और फर्दर ड्रिल डाउन करके लिस्ट टैग्स कर सकती हूँ, या मैं सिर्फ एक ही टैग रख सकती हूँ? आपको टैग्स एक ही रखने पड़ेंगे, बट अगर आप एक ही ब्रांड के अंदर भी फर्दर ड्रिल डाउन करना चाहते हो तो हाँ. आप उसका ग्रुप्स बना सकते हो. अच्छा, मैं ग्रुप्स बना सकती हूँ. आप फिर उसके लिए फिर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने टैग बना दिया ब्रांड्स का, फिर मैंने उसके अंदर ग्रुप्स बना दिए कि सीता ब्रांड में
इस जैसे नॉर्थ अमेरिका में ले रही हूँ पूरा सीता ब्रांड में नॉर्थ अमेरिका के जितने कॉन्टेक्ट है वो इस ग्रुप में आ जाए एक्टिव कॉन्टेक्ट है ना ये ग्रुपिंग हो गई एक बिल्कुल ये ग्रुपिंग हो गई और अब जो ये कॉन्टेक्ट्स है ये लीड कॉन्टेक्ट्स है और अकाउंट कॉन्टेक्ट्स है इसका ग्रुपिंग भी मैं कर सकती हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो ये थोड़ा मेरे को आपको हेल्प करना पड़ेगा इसमें ठीक है तो हम एक और सेशन ले लेते हैं बिकॉज देखो ये तो मेरे को एक बारी तो आपको कम से कम आधा पौना घंटा तो इसमें लगना मैंने एस्टिमेट किया था बट एक्चुअली क्या है कि हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली सोशल मीडिया भी और ये सब तो इसलिए टाइम इस सेशन में यूज हो गया है नॉट अ प्रॉब्लम वी विल डू वन मोर कॉम्प्लीमेंट्री सेशन आप नेक्स्ट वीक ट्यूजडे वेडनेसडे का आप शेड्यूल कर लो एंड वी विल कवर द ऑडियंस मैनेजमेंट ये जो सेगमेंट्स ग्रुप्स ये सारी जो है उस सेशन में कवर कर लेते हैं ठीक है अभी आप ये कैंपेन एक बार रन थ्रू कर लो उसके बाद फिर हम लोग सेशन कर लेंगे आराम से बाद में क्योंकि फिर मुझे एट्रीब्यूट्स भी आपके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे एक बारी और क्योंकि फिर अकॉर्डिंगली मैं जो अपना इंटीग्रेशन पार्टनर है उसको बताऊंगी फिर वो इंटीग्रेशन पे काम करेगा okay, तो हाँ ओके ओके ठीक है यू कैन कैरी ऑन आई एम सो सॉरी नो प्रॉब्लम ठीक है सो नाउ सेकंड स्टेप इज डिजाइन देखो ईमेल का जो सबसे मजे की बात है चार तो चीजें होती हैं हम किसको भेज रहे हैं कौन भेज रहा है क्या सब्जेक्ट है क्या कंटेंट है खत्म सेंड कर दो सो पांचवी चीज होती है टाइम ऑफ सेंडिंग वो तो ऑब्वियसली जिस टाइम आप सेंड कर रहे हो आपने बटन दबाना है या आप रीशेड्यूल करोगे तो ये चार पांच चीजें ही होती हैं ईमेल की किसको भेजना है वो अभी हमने डिस्कस कर लिया है अब हम करेंगे कि क्या भेज रहे हैं कंटेंट तो हमने सबसे पहले हम टेम्पलेट में जाएंगे और हम चूज करेंगे कि हमें क्या डिजाइन करना है तो ये सारे रेडीमेड लेआउट्स आते हैं हमारे स्टैंडर्ड प्लान में हाँ एसेंशियल और स्टैंडर्ड में मैं एसेंशियल में लिमिटेड मिलती हैं और इसमें थोड़ी रॉबी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है बीच में ओके कैन यू हियर मी नाउ या सो ये जो है यहाँ पे यू कैन गो इनटू टेम्पलेट आप क्या कह रहे थे एसेंशियल और स्टैंडर्ड में क्या टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस है हाँ ये भी एक पॉइंट है तो मैंने बोला आपको बता दूं कि एसेंशियल प्लान में आपको लिमिटेड टेम्पलेट्स मिलते हैं और स्टैंडर्ड में आपको बहुत सारे प्रीमियम ऑप्शंस मिलते हैं अभी आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड अकाउंट है और स्टैंडर्ड में मेरे को बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं अच्छा तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको एसेंशियल में नहीं मिलेंगे आपको एसेंशियल में लेकिन ऊपर के जो हैं ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन लिमिटेड मिलते हैं बहुत सारे ग्रेन्युलर टेम्पलेट्स नहीं मिलते हैं तो ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं आप इनको चूज कर सकते हो बट देवेंद्र जी मैं आई विल मेक अ टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज अगर आपको बेसिक्स पता लग जाए ना स्क्रैच टेम्पलेट के तो आप किसी भी आप हजारों में से कोई भी टेम्पलेट को इजीली चेंज कर पाओगे तीसरा ऑप्शन होता है कोड योर ओन अब जैसे आप बता रहे थे कि आप नेट कोड से भेजते हो तो HTML फाइल डालते हो राइट तो आप सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हो आपके पास अगर HTML फाइल है और वो HTML फाइल में कोड है तो आप डायरेक्टली पेस्ट कोड कर सकते हो अगर आपको HTML फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो अगर उस फाइल में इमेजेस एम्बेडेड हैं और वो इमेजेस भी रूट फोल्डर में है तो उस पूरे फोल्डर को जिप करके आप जिप भी अपलोड कर सकते हो तीन तरीके हैं आपको HTML डालने के ताकि मतलब कोई भी अगर ऑप्शन हो तो आप वो चूज कर सकते हो अगर आपके पास रॉ फाइल है वन सिंगल फाइल आप फाइल अपलोड कर दो अगर आप कोड एडिटर हो आपको कोडिंग पता है तो आप कोड को कॉपी करके डाल दो पेस्ट कर दो अगर आपके पास इमेजेस भी उसी फोल्डर में है तो फोल्डर को जिप बना के यहाँ पे जिप डाल दो सो दीज आर ऑल वेरी वेरी गुड इजी टू यूज एडवांस्ड ऑप्शंस अभी हम चलते हैं बेसिक टेम्पलेट बनाते हैं वन थिंग हाँ जी देयर इज एनी कोड स्टैंडर्ड या फिर हमें सिर्फ एचटीएमएल कॉपी पेस्ट करना या टेबल एज अ सेट Zurb Foundation, आप जो बनाते होगे मेल में तो जो Zurb Foundation है या आप लिटमस स्टैंडर्ड जो होता है ईमेल टेम्पलेट्स का वो फॉलो करो ईमेल्स तो स्टैंडर्ड है इट डज नॉट मैटर आप मेलचिम से भेजो या किसी से भी ईमेल्स तो एंड ऑफ द डे डिलीवर होनी है एक ही जगह पे जीमेल पे जाती है या हॉटमेल याहू ये सब या आउटलुक तो ये ज्यादातर जो है ना ये एक फाउंडेशन एक स्टैंडर्ड होता है उसको Zurb Foundation बताते हैं आप वो यूज कर सकते हो अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो ओके या
एक्चुअली नेटकोर में क्या होता था कि हम लोग कुछ भी डिजाइन अपना डालते थे तो कुछ ना कुछ लेआउट थोड़ा सा जिगजैग होता था कभी कभी कि बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे हैं, ये बॉर्डर्स थोड़ा सा हैवी थिक शो हो रहे हैं। वो आपको मेलचिप में नहीं होंगे वो प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेलचिप आपका एचटीएमएल का कोड एज इट इज प्रीव्यू करेगा और आपके कोड को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करता। सीएसएस इनलाइन होगी उसमें, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेलचिप सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, वो आपका पैकेज आपसे आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। एंड ऑफ द डे आपका कस्टमर जो डिवाइस यूज कर रहा है, आपका कोड उस डिवाइस से कंपैटिबल होना चाहिए। तो अगर आपका कस्टमर आईफोन यूज कर रहा है तो आपका टेम्पलेट आईफोन कंपैटिबल होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर आउटलुक यूज करता है, आउटलुक में बैकग्राउंड इमेज नहीं आते, तो मेलचिप भी ऑप्शन देता है फॉल बैक कलर का, जो कि बाकी एडिटर्स नहीं देते। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो, ये सब ऑप्शंस। दिस हैज नथिंग टू डू विद मेलचिप, आपका कोड को नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपके कोड में ही इशू है और वो डिवाइस में ठीक नहीं लैंड हो रहा, तो उसमें मेलचिप का कोई इशू नहीं है ना। तो अभी सपोज हमने कस्टम बैनर एक इसमें आप मेलचिप में अपलोड कर दिया है और हम ये ईमेल टेम्पलेट में यूज करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ हो सकता है ना कस्टम बैनर यूज इस ईमेल टेम्पलेट में? वही तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आप पूरा एक बार देख लो पहले, देन आस्क द क्वेश्चंस। ओके थैंक यू। हाँ हाँ ओके। सो फर्स्ट यू सिलेक्ट, आई वुड से गो विद द बेसिक टेम्पलेट। अगर आप बेसिक टेम्पलेट यूज करना सीख जाओगे, देन यू कैन यूज ऑल द अदर टेम्पलेट्स। ईमेल टेम्पलेट, ये आपका बेसिक टेम्पलेट ऐसे दिखता है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. अब ये आपका जो टेम्पलेट है, आप किसी भी टेम्पलेट को एडिट करोगे। मेलचिप में रेडीमेड बहुत सारे प्रीमियम क्वालिटी टेम्पलेट्स हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि मेलचिप का टेम्पलेट की एनाटमी क्या होती है। जैसे हमारी बॉडी की एनाटमी होती है, हेड बॉडी लेग्स हैंड्स, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वैसे एक टेम्पलेट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो क्या पार्ट्स होते हैं बेसिकली, वो आप स्टाइल टैब पे क्लिक करोगे राइट में, आपको ये पार्ट्स बता रहा है। पेज होता है, प्री हेडर होता है, हेडर होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है, और मोबाइल के लिए अलग स्टाइलिंग भी है। बट मोटा मोटा ये पांच पार्ट्स होते हैं आपके ईमेल टेम्पलेट के। सो टू मेक इट क्लियर, मैं आपको ये सारे पार्ट्स, पहले तो ये मॉड्यूल्स डिलीट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो, जब मैं अपना माउस किसी भी कंटेंट के ऊपर डालता हूँ तो ये मेरे को तीन ऑप्शन दे रहा है। एक पेंसिल का, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो मैं एडिट कर सकता हूँ, अगर मैं प्लस पे दबाऊंगा तो ये डुप्लीकेट हो गया, देखो। तो मैं बहुत इजीली अपने मॉड्यूल्स को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, और अगर मैं ये ट्रैश दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। तो लेट्स फर्स्ट डिलीट इट, सब कुछ डिलीट कर देते हैं और अपने टेम्पलेट को एकदम खाली छोड़ देते हैं। तो आपने ये देखा, ये सारे जो हैं चार खाली डब्बे बन गए हैं। सो दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ योर टेम्पलेट। तो एक एक पार्ट अभी डिस्कस करते हैं। ये प्री हेडर है, लेट्स से इसका बैकग्राउंड में रेड करता हूँ, तो आपको ये रेड जो ब्लॉक दिख रहा है ये आपका प्री हेडर है। ये आपका हेडर पार्ट का बैकग्राउंड, मैं हेडर क्लिक करके ब्लैक कर देता हूँ। ये जो आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये आपका हेडर है। मैं बॉडी में लेट्स से इसको येलो कर देते हैं। ये आपका देखो येलो पार्ट जो है ये बॉडी है, और आपका जो फुटर है, लेट से वी सिलेक्ट फुटर को, वी ऑल्सो मेक इट ब्लैक। ये आपका चौथा जो पार्ट है ये आपका फुटर हो गया। ये चार कंटेनर्स हैं बेसिकली। ईमेल जो है, कई बारी जब आप एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज करते हो तो बंदे को पता नहीं लगता कि यार मैं चार अलग कंटेनर्स में काम कर रहा हूँ, क्योंकि चारों के बैकग्राउंड वाइट होते हैं, तो टेम्पलेट तो एक जैसा ही लगता है। अगर आप कोई भी ईमेल खोलोगे, जैसे अभी ये मैंने हार्पर कॉलिन की दिखाई, तो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि यार ये प्री हेडर कौन सा है, हेडर कौन सा है। तो बट यू शुड नो एक्चुअली दैट इन योर ईमेल देयर आर फोर एसेंशियल पार्ट्स, एंड देन फाइनली द बेस व्हिच इज द बैकग्राउंड। ये आपका जो है ये बैकग्राउंड डेस्कटॉप पे आपका जो है ये ब्लैक पार्ट, ये थोड़ा सा बॉर्डर की तरफ दिखता है, और मोबाइल में तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि ईमेल जो है आपकी 600 पिक्सल चौड़ी होती है बेसिकली। एक ईमेल जब आप डेस्कटॉप पे खोलते हो, जैसे जीमेल में मैंने ईमेल खोली, मान लो कोई टेम्पलेट खोलता हूं मैं, ये रहा आपका, तो आप नोटिस करते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो मेरे फोल्डर्स आ जाते हैं और राइट हैंड साइड पे मेरी ईमेल आती है।
और ये जो ईमेल होती है ये MailChimp की, ये सिर्फ 800 पिक्सल जीमेल जगह देता है और MailChimp सिर्फ 600 पिक्सल लेता है। तो ये 200 पिक्सल है, 100 पिक्सल लेफ्ट में और 100 पिक्सल राइट में, ये जो है ये खाली जगह होती है। तो MailChimp में ये दिस इज गुड टू नो दैट 600 पिक्सल से ज्यादा चौड़ा होता नहीं है MailChimp का टेम्पलेट। तो आपने कोई भी इमेज डालना है अगर वो 600 पिक्सल तक है तो वो MailChimp में अच्छा लगेगा, उससे बड़ा डालने की जरूरत नहीं है, और अगर उससे छोटा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो फिट नहीं करेगा आपके टेम्पलेट में। ये आपके एसेंशियल 5 पार्ट्स ऑफ द टेम्पलेट है। उसके बाद उस टेम्पलेट के अंदर आपको क्या चीजें डालनी है, आप क्या क्या डाल सकते हो, ये आप ब्लॉक्स के अंदर, इसको MailChimp ब्लॉक बुलाता है। तो क्या क्या ब्लॉक्स हैं, एक ये आपका टेक्स्ट है, बॉक्स टेक्स्ट है, डिवाइडर है, इमेज है, इमेज ग्रुप है, इमेज कार्ड है, इमेज प्लस टेक्स्ट है, शेयर मॉड्यूल है, सोशल फॉलो मॉड्यूल है, बटन है, फुटर टेक्स्ट है, कोड है और वीडियो है। आप MailChimp के रेडीमेड टेम्पलेट के अंदर भी अपना कोड डाल सकते हो। मान लो आपका कोई स्पेशल सेक्शन है जो MailChimp लिबर्टी नहीं दे रहा आपको, तो आप ये कोड मॉड्यूल ड्रैग करके आप अपना HTML भी यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपने अपना HTML डाल दिया तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये चार अलग कंटेनर्स क्यों हैं? लेट अस पुट अ टेक्स्ट मॉड्यूल एंड इसको टेस्ट करते हैं। तो अब क्या करता हूं मैं, ये टेक्स्ट मॉड्यूल को कॉपी किया, प्लस दबाया और एक और बार प्लस दबाया। अब आपने देखा मेरा टेक्स्ट मॉड्यूल 4 बारी रिपीट हो गया। अब मैं इसी को ड्रैग करके अपने कंटेनर्स में डाल रहा हूं, तो आप नोटिस करोगे ये जो कंटेनर्स हैं ये फिल अप हो जाएंगे। अब मैं स्टाइल में जाके अपने प्री हेडर में देखो मेरा टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि प्री हेडर की प्रॉपर्टीज अलग है। तो प्री हेडर में मैं अपने कलर को, टेक्स्ट के कलर को वाइट करता हूँ, तो ये पढ़, अब ये पढ़ा जा रहा है। सो दिस इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से कंटेनर में क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब ये मेरी बॉडी है, बॉडी में मैंने टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया, इसको ब्लैक ही है, दिस इज फाइन। हेडर, हेडर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा बिकॉज टेक्स्ट इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर, सो आई विल मेक इट वाइट। एंड फुटर, फुटर ऑल्सो लेट अस मेक इट वाइट, देयर यू गो। सो आपने नोटिस किया कि मैंने एक ही टेक्स्ट मॉड्यूल को डुप्लीकेट किया था 4 बारी, लेकिन चारों जगह अलग दिख रहा है। यहाँ पे हेडर में और बॉडी में सेम फॉन्ट फैमिली है और सेम फॉन्ट साइज है, लेकिन जो मेरा हेडर है, जो मेरा टॉप प्री हेडर है, उसमें छोटा दिखा रहा है और लेफ्ट अलाइन दिखा रहा है, और फुटर जो है उसमें छोटा दिखा रहा है और सेंटर अलाइन दिखा रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज ये इनहेरिट कर रहा है अपने कंटेनर पे। तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो अपने हेडर मॉड्यूल में जाके। लाइक लेट से मैं प्री हेडर में जाता हूँ और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और मैं इसको 16 पिक्सल कर देता हूँ, इसको भी लेफ्ट रखते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा एग्जैक्टली मैच कर गया। उसी तरह मैं फुटर में जाता हूं और इसको लेफ्ट अलाइन करके 16 पिक्सल कर देता हूं, तो ये भी मैच हो गया। अब कंसिस्टेंसी आ गई मेरी ईमेल टेम्पलेट में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी ईमेल में 5 कंटेनर्स हैं। एक आपका पेज, अब मैं पेज को लाइट ग्रे कर देता हूं, थोड़ा सा एक क्लैरिटी लाते हैं अब अपने टेम्पलेट में। अब मैं प्री हेडर पे जाके Let us make this pre-header dark gray. Let us go to our header area. Let us go to our body and make it white. And let us go to our header. And यहाँ पे हम एक image डालते हैं as a background. So we will select an image and we will put it in the background. ये देखो, ये हमारा background में image आ गया। Now we can remove our banner. Now we can go into our header. We can give it some padding on the top. So we give it 44 pixel and 44 pixel. Robbie, आपकी voice break हो रही है बार बार। Can you hear me, Rudra? Yeah. Are you Saurabh, Rudra, are you there in the meeting? Yes, sir. Are you able to hear me? Yes, sir. Meri voice break ho rahi hai aapke yahan?
नाइस अच्छा परफेक्ट है आई थिंक देयर इज सम इशू एट योर एंड देवेंद्र नो इट्स नेटवर्क इशू या या दीदी या ऑल राइट लेट मी नो व्हेन यू कैन हियर मी या आई कैन हियर यू कैन कंटिन्यू या ओके सो वी गो इनटू टेक्स्ट यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट मॉड्यूल डाल दिया लेट्स से डियर एफ नेम ये क्या है ये मर्ज टैग होता है टू ब्रिंग अ वैल्यू फ्रॉम माय डेटाबेस तो एफ नेम जो टैग है वो मेरा फर्स्ट नेम है यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया इधर मैं डाल सकता हूँ व्यू ऑनलाइन I can change my directly my text module का style इसको मैं छोटा कर सकता हूँ ये मेरे प्री हेडर का है मैं अपने प्री हेडर को कस्टमाइज कर सकता हूँ जैसे मैंने हेडर की पैडिंग बढ़ाई थी इसकी मैं पैडिंग कम कर देता हूँ इसको थोड़ा स्लीक बना देता हूँ यहाँ पे मैं अपने बैनर एरियाज में ये टेक्स्ट डाल के हटा के आई कैन एड इमेज कार्ड हियर आई कैन अपलोड एन इमेज Let's say I upload this image. Now I have the ability to choose how I want to show my image. मैं settings में जाके I can show this image text position right. And I can give my text a subtle background. Like this. तुम देवेंद्र अभी किस पे डिजाइन करते हो फोटोशॉप या सो ये जो है ये आपका फर्स्ट क्लास आपका टेक्स्ट मॉडल अब मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ अब मैं इसको अल्टरनेटिंग डिजाइन दे देता हूँ सो आई गो इनटू सेटिंग्स टेक्स्ट पोजीशन लेफ्ट ये मेरा अल्टरनेट कैन वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द हेडर इमेज या या ऑफ कोर्स यू कैन गो इनटू हेडर You can make the padding. You can just go to your header and then select padding, let's say 120 to 120. ये आपका okay. header, body, ये आपका ऐसे setup हो गया अब यहाँ पे आपने अपने footer में let's say footer में क्या होता है आपका name, address, social media. So what you can do is आप अपने blocks में जाओ सबसे पहले और ये फुटर का जो है मॉड्यूल बना बनाया है आप ये डाल दो और इसमें सिग्नेचर होता है जैसे अगर पूरा सिग्नेचर्स भी आ जाता है ये सारा कुछ जो है मैं आपको ये एक एक पॉइंट बताता हूँ फुटर का बहुत इंपॉर्टेंट है लोग फुटर को इग्नोर कर देते हैं ये एक एक टैग जो है उसका क्या मतलब है कॉपीराइट अगर आप देख रहे हो फुटर में कॉपीराइट करंट ईयर है तो वो अपने आप जो अभी का साल है वो आ जाएगा अब मान लो आपका 6 महीने बाद साल बदल जाएगा 2022 हो जाता है तो अपने आप जो है आपको बार बार अपनी ऑटोमेशन में जाके पुरानी ईमेल्स में चेंज नहीं करना क्योंकि बहुत से लोग ऑटोमेशन सेटअप कर देते हैं ईमेल सीरीज और उसके बाद साल जब चेंज होता है फिर उनको जो है हेडेक लेना पड़ता है बार बार जाके कोड में बदलो यहाँ पे आप हमें मर्ज टैग यूज कर दिया करेंट ईयर का तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये एक बार आप मुझे बताएंगे आपने कहाँ से करा ये दोबारा एक बार तो हाँ जैसे इसको डिलीट कर देते हैं तो हम मॉड्यूल में माउस पे जाते हैं ये ट्रैश का बटन दबाते हैं Now we go into footer and just drag it and put it here. ये आ गया आपका. So ये automatically ले लेगा हमारा year and everything. Yes, yes. इसलिए मैं कह रहा था कि जो first step होनी चाहिए वो आप account जब onboard करोगे तो अपनी company name, अपना mailing address वो correctly डालो तो वो अपने आपके template में फिर आपको बार बार headache नहीं लेना आपको automatically ये चीजें आ जाएंगी. ठीक है. तो ये आप देख रहे हो फिर नीचे जो मर्ज टैग है इफ नॉट आर्काइव पेज लिस्ट डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि ऑडियंस आपका कैसे आया था मान लो आपका जो ऑडियंस है उसने सब्सक्राइब किया वेबसाइट से तो आप अपनी लिस्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन दोगे जैसे आप लिखोगे वेबसाइट सब्सक्राइबर तो नीचे आ जाएगा यू हैव सब्सक्राइब्ड ऑन आवर वेबसाइट ये लिस्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ से आता है आपके ऑडियंस में सेटिंग में एक फील्ड होती है डिस्क्रिप्शन ये वहां से आता है
उसके बाद हाँ ये कंपलसरी नहीं है, ये आप हटा भी सकते हो, इवन आई डोंट यूज दिस फॉर माय कस्टमर्स। एंड मेलिंग एड्रेस भी कंपलसरी नहीं है, बट ये जो मर्च टैग आप देख रहे हो एड्रेस का, ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये नीचे आ रहा है वांट टू चेंज योर सेटिंग्स, ये कंपलसरी है, ये इसका वर्डिंग्स चेंज कर सकते हो बट आप इसकी लिंक्स को नहीं बदल सकते, क्योंकि अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देना लीगली इट इज कंपलसरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनसब्सक्राइब योर अपडेट योर प्रेफरेंसेस एंड अनसब्सक्राइब। हाउ हैव यू चेंज दिस, ये अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन कैसे किया आपने? ये अभी अच्छा नहीं लग रहा था, ये अंडरलाइन था, तो मैंने क्या किया फुटर में, अगेन मैं अपने कंटेनर मास्टर कंटेनर में गया और मैंने देखा था वहां सेटिंग्स में अंडरलाइन था, तो मैंने अंडरलाइन को ऑफ कर दिया और उसको बोल्ड ऑन कर दिया। ठीक, सो ये आपका ऑप्शन हो गए। मैं फुटर का नॉर्मली आप फॉन्ट छोटा कर, नॉर्मली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, दिस इज अ ट्रिक, आप 10 पिक्सल करो फुटर, आप नॉर्मली नोटिस करते हो फुटर में बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, वो जानबूझ के लिखते हैं सो दैट यू नो, बिकॉज कई बार क्या होता है पीपल अनसब्सक्राइब विदाउट थिंकिंग, वेन यू गिव देम एन ऑप्शन दे विल यूज इट, सो आप अनसब्सक्राइब को छोटा कर दो, क्योंकि लीगली तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको हटाएं, तो हमें जो थोड़ा फाइन प्रिंट में करना पड़ेगा ये चीजें। तो नॉर्मली आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू कैन मेक इट लिटिल बिट स्मॉल, जस्ट मेक इट मे बी 10 पिक्सल, एंड दिस इज हाउ योर फुटर इज कम्प्लीट। नाउ यू वॉन्ट टू एड लेट्स से योर लोगो, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी गो टू लोगो, वी जस्ट ड्रैग आर इमेज, नाउ वी कैन जस्ट अपलोड अ इमेज एंड वी कैन एड आर लोगो। तो लेट्स से आई गो टू माय ब्रांड किट, ये देखो अब मैंने ब्रांड किट क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका जो फॉन्ट है वो भी इसने डिटेक्ट कर लिया, आपका लोगो भी डिटेक्ट कर लिया और आपके जो कलर्स हैं आपके ब्रांड के वो भी ले लिए इसने। तो मैंने ब्रांड किट क्लिक किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई लोगो नहीं बनाया, मैंने कोई फोटोशॉप नहीं खोली, ऑटोमेटिकली आई कैन सिलेक्ट एड लोगो। I select this. Save changes. Browse. Upload. So my logo is there. I can change the styling, the size of my logo, everything I can control over here. Now I have inserted the logo and I can remove, I can add this on in my pre-header also. If I want to make it left align, I can go into style. I can make it left align also like this and save this. ये मेरा लोगो हो गया। अब ये थोड़ा सा रिलीफ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा गैपिंग दे देता हूं, तो मैं अपने हेडर में जाके हल्का सा प्री हेडर में जाके हल्का सा पैडिंग बॉटम जो है 12 पिक्सल की दे देता हूं, ये थोड़ा सा और रिलीफ दे देते हैं, ये आपका रिलीफ मिल गया। इसको थोड़ा सा प्री हेडर का कलर कॉम्बिनेशन आई थिंक ब्लैक के साथ अच्छा लगेगा। This is how you can, ये आपका सारा टेम्पलेट तैयार हो गया। Now all you need to do is save it. अब इसको हम नाम रख देते हैं। So what we will do is, we will save and exit it and we will give it a name. Let's say Sita testing template. Ravi, left padding और right padding का कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज का? Left and right padding का। Left and right hand in the sense? जो हम padding अभी top और bottom में दे रहे थे। नहीं नहीं, left और right का option नहीं है, वो आप या तो center line कर सकते हो, अगर आपको left और right में जगह देनी है तो उसको center line कर सकते हो। Okay, या फिर image में हम left में थोड़ा कम margin लगा। By default जो भी आप blocks डालते हो ना, उसमें 9 pixel left में और 9 pixel right में जगह होती है। तो आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर का थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में जगह है ना, ये 9 पिक्सल की बाय डिफॉल्ट होती है,
सो दे ट्राई टू मेक इट ऑलरेडी डिफॉल्ट सो दैट आपका डिजाइन अच्छा लगे, आपको अपने से डालने की जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट मार्जिन. अच्छा रॉबी, हम लोग फोटो में क्या ना सिग्नेचर भी यूज करते हैं, तो कहीं ऐसा कुछ होता है कि हम लोग एक टेम्पलेट सिग्नेचर की डिजाइन करके उसको कहीं सेव कर लें और एवरी टाइम हम यूज करें? हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप सिग्नेचर को एज अ इमेज अपलोड करके यू कैन एज एन इमेज नहीं कर सकते क्योंकि ईमेल लिंक्स, वेबसाइट लिंक्स वगैरह इसमें सारे वो हाइपरलिंक्ड होते हैं ना, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर. हाँ तो देखो जो जो हाइपर लिंक्स हैं, कोशिश करो जो रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं उन्हीं को यूज करके सेव कर दो एक बार, फिर उसी को बार बार यूज कर सकते हो. सोशल मीडिया मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर सकते? हाँ, आप अगर सोशल मीडिया क्रिएट करना है तो आप ये मॉड्यूल यूज कर लो सोशल मीडिया का, एंड यू कैन क्रिएट दिस, लाइक से यू कैन इवन कस्टमाइज योर सोशल मीडिया ये रहा. और आपको जितने चैनल डालने हैं इसमें कुछ 50 चैनल्स के ऑप्शन है, ये देखिए सारे चैनल्स हैं, आपको कोई भी सोशल मीडिया का आपका चैनल है वो आपको यहाँ मिल जाएगा. ये देवेंद्र एक्चुअली क्या होगा, जैसे हम सिग्नेचर के नीचे डालते हैं ना, ये सिग्नेचर के नीचे ना जाके ये मेल के फुटर में आएगा. अच्छा, एक और चीज रॉबी, अगर मे बी हम लोग इसमें कस्टम कोड यूज करते हैं ना, तो उस कस्टम कोड में जो हम एज एन इमेज यूज करेंगे तो वो इमेज हमें अपने सर्वर पर रखनी होगी सीधा के सर्वर पर, या यहाँ पर भी कहीं रख के उसका एम्बेडेड कोड हम डाल सकते हैं? हाँ, बेटर यही है, आप सीता के सर्वर पे मत यूज करो कुछ भी, आप मेलचिम के ही यहाँ पे कंटेंट स्टूडियो में जाके अपलोड कर दो, फिर आप यूआरएल कॉपी करके यूज कर दो. ओके, या बेटर है कि आप कंटेंट स्टूडियो में जाओगे ना तो वो आपको यूआरएल दे देता है एम्बेडेड एम्बेड करने के लिए. तो जैसे आपने कंटेंट स्टूडियो में गए, आप ये आपका इमेज है, आपकी डिलीवरी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. आप कोई भी एक्सटर्नल डोमेन में मत रखो, आप अगर मेलजिम से ईमेल डिलीवर कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट इमेजेस हैं वो आप क्या करो, आप यहाँ पे अपलोड कर दो, जो जो चीज आप सीता के सर्वर से कॉल कर रहे हो वो आप यहीं पे अपलोड कर दो. उसके बाद जब आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कॉपी यूआरएल, आपको यूआरएल अपने आप वो कॉपी करके क्लिपबोर्ड में दे देगा. फिर आप अपने कोड में जाओ या अपने एचटीएमएल में गए, आपको आप कैसे IMGSRC डालते हो ना इमेज को एम्बेड करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो आप क्या कर सकते हो कि आपने IMGSRC इज इक्वल टू, अब कोड मेरे ऑलरेडी मेरे क्लिपबोर्ड में है, सो आई जस्ट हैव टू डू कंट्रोल V, ये आपका आ गया, ये मैंने डाल दिया. और अगर ये क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका लोगो भी व्हाइट है और बैकग्राउंड भी व्हाइट है. राइट, इसको क्या करता हूँ मैं, इसको ये देखो ये एम्बेड हो गया. तो यहाँ से हम उसको कस्टम पैडिंग दे सकते. हाँ, ये देखो अब ये आप कस्टम पैडिंग दे दो इसको, क्योंकि ये तो आपका कोड मॉड्यूल है तो इसमें डिफॉल्ट जो है मेलचिम की जो है आपकी पैडिंग नहीं जाएगी, बट यहाँ पे आपके स्टाइल इज इक्वल टू पैडिंग पैडिंग डैश लेफ्ट होता है ना, आपने दे दिया ये आ गई आपकी पैडिंग. आप तो कोडर हो, फिर आप तो कुछ भी कर सकते हो, फिर आपको पूछने जाएगा. मैं एक्चुअली थोड़ा सा मेल चिम का ना थोड़ा सा लेआउट मुझे देखना था कि कहाँ से कस्टमाइज कर. एंड एक और चीज, ये जो 4 ब्लॉक्स हैं, इस ब्लॉक्स में अगर हमें कोई ब्लॉक हमें नहीं चाहिए, सपोज कोई हेडर नहीं चाहिए, तो हम रिमूव कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. फिर आप क्या करो, जब जैसे आपको प्री हेडर नहीं चाहिए ना तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो. अगर आपको जैसे प्री हेडर नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट करके आप इसको ब्लैंक छोड़ दो तो वो दिखाएगा ही नहीं आपको यहाँ पे. साइज लेगा वो डिफॉल्ट, हाइट कुछ लेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं. आप इसको पैडिंग 0 कर दो ये, और इसको वाइट बैकग्राउंड कर दो, प्लेन बैकग्राउंड कर दो, जो आपका पेज का बैकग्राउंड है वही पेज का दे दो बस. अगर कलर ही रिमूव कर देंगे तो डिफॉल्ट ये वाइट लेगा, राइट? हाँ, तो ऐसे करके अब आप भेजोगे ना तो ये आपका ऊपर का पार्ट दिखेगा ही नहीं, मर्ज हो जाएगा ना पेज के साथ. हाँ, बट आपको पार्ट अगर चाहिए नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, हेडर और फुटर तो सभी को चाहिए होता है. एक्चुअली करते हैं, हम हेडर को ऐसे यूज करते हैं एज एन इमेज बैनर में, हम सीता का लोगो एंड हेडिंग शो कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं. आप जो आपका जो बैनर है ना उसको फिर आप प्री हेडर में डालो आपका. अगर आपकी ईमेल बैनर से शुरू होती है तो आप क्या करो, आप इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको आप इमेज को ड्रैग करो प्री हेडर में, कोई भी चीज खाली मत छोड़ो आइडियली,
यहाँ पे आप जब आप बैनर डालोगे, इसमें ये भी एक ऑप्शन है, जैसे ये आपने बैनर डाल दिया, ठीक है, ये अभी मैं 15 अगस्त को ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाके फिर क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है एज टू एज। इससे क्या होता है, आपकी जो 9 पिक्सल की लेफ्ट और राइट में जगह है वो ये देखो, ये प्रॉपरली फिटेड बना देगा आपका बैनर, ये बकायदा है, ये आपका फिट हो गया बस। तो आप क्या करो, कोशिश करो कि आप कोई भी चीज खाली क्यों छोड़ रहे हो। अगर आपका बैनर से शुरू हो रहा है तो सबसे बेस्ट है आप बैनर को प्री हेडर में डाल दो। यहाँ पे फिर आप अपना कंटेंट हेडर को आप क्या करो, हेडर पे आप अपना कंटेंट डियर एफ नेम, देखो डियर फर्स्ट नेम या कोई सैल्यूटेशन तो बंदा डालता ही है ना, तो आप यहाँ पे अपनी सैल्यूटेशन से शुरू करो। इसकी पैडिंग जो है 0-0 कर दो, तो बस सिर्फ डियर सैल्यूटेशन के लिए रखो हेडर। अच्छा एक और चीज, जो हम इसमें ऑप्शन डालते हैं व्यू दिस ईमेल इन द ब्राउजर, तो वो कहाँ खुलेगा, किस यूआरएल पे खुलेगा? वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली मेलचिम्प आपके हर एक ईमेल कैंपेन का एक वेब व्यू भी बनाता है, उसको वो आर्काइव लिंक बुलाता है, तो वो अपने आप जो है व्यू ऑनलाइन में आर्काइव लिंक डाल देता है, वो आपको नहीं करने की जरूरत। उसका यूआरएल हमारा डोमेन बेस होगा या फिर मेलचिम्प का? मेलचिम्प का डोमेन होता है वो, mmc. ऐसे करके कुछ होता है, बट इट इज इररिलेवेंट। वो तो आपका जो लिंक है वो डायनेमिक होता है ना, तो वो हम डोमेन बेस बना भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप कैंपेन भेजते हो, जब आप सेंड का बटन दबाते हो, तो उतनी देर में ही वो उसका वेब व्यू भी बना देता है। आपको सिर्फ लिंक डालनी है और लिंक में क्या लिखना है, आर्काइव, बस। वो अपने आप जब कैंपेन जाती है तो वो वेब व्यू बना देगा उसका। अब जैसे ये ईमेल है, इसी का ये डायनेमिक वेब व्यू भी बना देगा। तो ये ऐसे करके जो है ये आप सिंपली यूज कर सकते हो, क्योंकि सी ये तो आपको पता है ना कि आपने एफ नेम को हेडर में डाला है और आपने बैनर को प्री हेडर में डाला है। फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट हम अपन लोगों का क्या है, एक ईमेल है बस, सिंपल। वो ईमेल कस्टमर को थोड़ी पता है कि प्री हेडर क्या होता है, हेडर क्या होता है, ये तो हमें पता है। हमने जो है फाइनल प्रोडक्ट को अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट करो, ये फर्स्ट क्लास बन गया आपकी टेम्पलेट। अब आपको पता है कि आपने ये बैनर जो है प्री हेडर में डाला है, लेकिन कस्टमर के लिए तो इट इज जस्ट वन होल ईमेल, एक सिंपल ईमेल है उसके लिए, तो उसको नहीं पता कि यार ये प्री हेडर है, हेडर है, बॉडी है, फुटर है। हम लेकिन कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, सो दैट आपको आगे भी प्रॉब्लम ना हो। आप कोई चीज जो आपका जो व्यू ऑनलाइन वाला जो ब्लॉक है, वेरी सिंपल, वो एक लिंक होती है, यहाँ पे आपने एक लिंक डालनी है, जैसे आपने लिखा व्यू ऑनलाइन, ठीक है जी, इसको आपने लिंक कर देना है, एंड यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट ओवर हियर स्टार पाइप आर्काइव पाइप स्टार, दैट्स इट। अब क्या होएगा, ये आर्काइव जो टैग है ये आपकी एक्चुअल लाइव कैंपेन में एक वेब व्यू बन जाएगा। ये जो कोड्स होते हैं जो आपने आर्काइव वाला बताया, ये कहीं स्टैंडर्ड है, इनका कोई लिस्ट है जहां से हमें पता चले कि ये सारे कोड्स? मैं आपको ना सेशन के बाद एक चीट शीट दूंगा, उसमें क्या है ये सारे चीट कोड्स हैं। तो चीट कोड्स ऑफ मेलचिम्प, तो ये चीटिंग कभी कभी मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो ये चीट शीट में हमेशा अपने पास हैंडी रखता हूँ। तो ये जो आपके जो लिंक है ये, इनफैक्ट मैं हाथों हाथी आपको मेल कर देता हूँ, या आप भी सर्च करोगे ना चीट शीट, तो आपको ये चीट शीट मिल जाएगी, इसमें सारे कोड हैं। ये रहा देखो, सबसे पहले ही बताया हुआ है आर्काइव। ओके, आपको लोगो डालना है तो लोगो के लिए भी है, बहुत इजी गाइड्स हैं, इसमें सारे आपको कोड मिल जाएंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने चीट शीट खोली और निकाल लिया कोड, ये सारे हैं आपके इसमें। जो इम्पोर्टेंट हैं वो, जैसे आर्काइव है, आपको मर्ज टैग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, एफ नेम एल नेम बाय डिफॉल्ट, हालांकि आप इसको चेंज कर सकते हो, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जब ऑडियंस मैनेजमेंट करेंगे। आपके फुटर में अनसब और अपडेट प्रोफाइल, ये जो कोड होता है ना, फुटर को मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसमें थोड़ा लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फुटर में आपका जो ये पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ना, अपडेट योर प्रेफरेंसेस और अनसब्सक्राइब, ये दोनों भी एक डायनेमिक लिंक्स हैं। अगर आप इस पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके लिंक बटन दबाओगे, ये रहा,
ये कहां गया? आप देख रहे हो अपडेट अंडरस्कोर प्रोफाइल प्रीसीडेड बाय स्टार पाइप एंड एंडेड बाय पाइप स्टार। ये जो ये मर्ज टैग है अपडेट अंडरस्कोर प्रोफाइल, ये आप हर एक ऑडियंस की पर्सनल प्रेफरेंसेस पेज पे ले जाता है। मान लो ये कैंपेन जब आपको जाएगी तो आपका अलग लिंक होएगा, मेरे को जाएगी तो मेरा अलग लिंक होगा, इसीलिए इस लिंक को एक मर्ज टैग दिया गया बिकॉज ये डायनामिकली हर बंदे के लिए अलग होगा। तो ये अपडेट योर प्रेफरेंस लीगली है या अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस लिस्ट लीगल है? दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों वी नीड टू डू इट। बिकॉज क्या होता है, अगर आप ये दोनों लिंक्स नहीं डालोगे या अगर आप सिर्फ अनसब्सक्राइब डालोगे, मेलचिम तो भेज देगा ईमेल, लेकिन जीमेल विल नॉट सी इट एज अ ऑथेंटिक ईमेल। ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली GDPR कंप्लायंस। हाँ, दिस इज अ वेरी बिग इशू विद जैसे आपने GDPR बोला। What happens is Gmail, Yahoo, Hotmail, all of these mail servers, they see your email. उनको ये नहीं पता कि आप मास ईमेल भेज रहे हो कि पर्सनल भेज रहे हो, वो ऐसे ही डिटेक्ट करते हैं। उनको जो जैसे ये जाएगा जब जिसको, तो ये अपडेट योर प्रेफरेंस where it'll take us to their profile. It will take them to their profile. फिर वो to their हाँ, फिर वो वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो उसका नाम गलत दिया था उसने डेटाबेस में, तो उसमें वो अपना नाम एंटर करके अपना नाम सही डाल सकता है। और जो डिटेल हमारे पास नहीं है उसकी, वो वहां पे डाल देगा, वो हमारे पास अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल, आप उसकी अपडेट प्रोफाइल भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अपने ऑडियंस में ना आपके सेटिंग्स में एक ऑप्शन देता है प्रेफरेंसेस सेंटर का, आप अपनी प्रेफरेंसेस पेज को भी अपने हिसाब से बनाओ कि आप अपने कस्टमर से क्या चाहते हो, क्या डेटा लेना चाहते हो, क्या डेटा को अपडेट करवाना चाहते हो। या मान लो आपने एक ग्रुप बना दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप एक ग्रुप बनाओ हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम अस, और उसमें लिख दो 3 ऑप्शन, वीकली, मंथली, एनुअल। उससे क्या होता है, कस्टमर बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये मतलब दे आर कलेक्टिंग आर प्रेफरेंसेज। तो प्रेफरेंसेस का एक्चुअली में मतलब ये होता है अपडेट योर प्रेफरेंसेस, कि आपने ग्रुप बनाया हाउ ऑफन, और या दूसरा लिखा वुड यू लाइक टू रिसीव प्रमोशनल कंटेंट अबाउट होटेल्स, अबाउट रिसॉर्ट्स, अबाउट यू नो, ऐसे करके। तो ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं बिल्कुल। और ये क्या है इसकी मजे की बात, जो आप ग्रुप बनाते हो, ग्रुप बनाते समय ही आप टिक कर सकते हो विजिबल इन प्रेफरेंसेस पेज। आपने ग्रुप बना दिया कंट्रीज का, योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल, उसमें आपने 5 कॉन्टिनेंट डाल दिए हैं, 5 कंट्रीज डाल दी, और आपने टिक कर दिया शो इन द प्रेफरेंसेस फॉर्म। सो दिस वी कैन डू एनी टाइम, मतलब कभी भी चेंज कर सकते हैं इसमें प्रेफरेंस, कभी भी, यही दैट्स द बेस्ट। हर एक अलग कैंपेन के लिए, कैंपेन भेजने के बाद भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंसेस पे डायनेमिक होता है हर यूजर के लिए। अच्छा, तो कैंपेन भेजने के बाद भी अगर आप चेंज करोगे तो उसको आपका लेटेस्ट प्रेफरेंसेस पेज ही दिखेगा। वो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, एंड वी कैन कैप्चर इट इन रिपोर्ट्स आल्सो। या यू कैन, जो आपको रिपोर्ट आएगी ना उसमें तो आपको सारा पता लगेगा। और अगर कोई ऑडियंस में चेंज हुआ है तो वो तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जैसे दिखाया था ऑडियंस ओवरव्यू में, वो बताता है कि हाउ मेनी ऑडियंस एडेड, एनी चेंजेस इन द ऑडियंस, ऑल दिस यू कैन एक्चुअली कैप्चर। नहीं, जैसे सपोजिंगली हमने फेवरेट डेस्टिनेशन डाला प्रेफरेंस में और कस्टमर्स ने डाला उसमें अपने अपने डेस्टिनेशंस, सो व्हेन वी पुल द रिपोर्ट तो हमारे को उस कॉन्टैक्ट उस के आगे उसकी प्रेफरेंस जो है वो पता चल जाएगी, है ना? अकॉर्डिंगली हम अपना एक प्रोडक्ट या अपना एक फायर तैयार कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड वी कैन सेंड दैट। बिल्कुल 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 ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग वीडियो कुट कर सकते हैं, एज इन मतलब जैसे हमने वीमियो का यूआरएल डाला एंड वहां से डिफॉल्ट पिक हो जाए वहां से इमेज, एंड जब ये ईमेल जाए तो वहां से ऐसे हाइपरलिंक हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप वीडियो का लिंक बस डालोगे, ये अपने आप थंबनेल ले लेता है और प्ले का बटन भी लगा देगा। अच्छा, जब आप ये जब आप ये वीडियो मॉड्यूल डालते हो ना, आप बस यहाँ पे यूट्यूब या वीमियो का कोई भी यूआरएल डालोगे ना तो अपने आप ये पिक कर लेता है। तो इसकी हेडिंग भी पिक करेगा या हमें कस्टम डालनी होगी? आपको हेडिंग तो कस्टम करनी पड़ेगी, ये थंबनेल ले लेता है और प्ले बटन डाल देगा अपने आप।
तो देयर इज एनी ऑप्शन कि हम उसको तीन कॉलम्स वगैरह में मतलब वीडियोस डाल सकें, ऐसा कुछ है? आप आपको उसके लिए अगर कॉलम वाइज करना है तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं देता, उसकी ट्रिक क्या होती है, आप दो कॉलम का बना सकते हो, टेक्स्ट में चले जाओ, ठीक है, टेक्स्ट में जाके यहाँ पे सेट स्टाइल में जाके इसको दो कॉलम कर दो, उसके बाद फिर यहाँ पे दो कॉलम चलाओगे, हाँ दो कॉलम अलाउड करता है टेक्स्ट में। ये बेसिक टेम्पलेट है ना, इसीलिए अगर आपको तीन कॉलम वाला चाहिए तो तीन कॉलम वाला भी मेलचिम्प में रेडीमेड मिलेगा आपके एसेंशियल प्लान में भी, बट मैं रेकमेंड नहीं करता तीन कॉलम वाला, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप देखोगे ना टेम्पलेट्स में, एक टेम्पलेट में ऑप्शन है आपके पास ये वाला, देखिए ये रहा तीन कॉलम वाला। तीन कॉलम के साथ एक दिक्कत क्या, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है जो मैंने फेस करी, आई डोंट नो, मे बी यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। जो मेरे को दिक्कत आती है ना तीन कॉलम के बाद, अब ये मैंने तीन कॉलम यूज कर दिए हैं, राइट, उसके बाद इफ आई वांट टू ऐड अनदर पीस ऑफ कंटेंट, देन आई वांट टू ऐड थ्री मोर कॉलम, वो पॉसिबल नहीं होता। अब ज्यादातर क्या होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, आप तीन कॉलम के बाद एक ब्रेक देना चाहते हो, फिर दोबारा तीन कॉलम डालना चाहते हो, वो आपको एबिलिटी नहीं मिलती, ये रिस्ट्रिक्शन है एक। लेकिन यहाँ पे आपने अपना वीडियो, ये कॉलम्स को डिलीट करके आप अपने वीडियो मॉड्यूल तीन डाल दो यहाँ पे, आप अपने एक और रो ऐड नहीं कर सकते जिसमें तीन कॉलम्स। हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत है, फिर वो एक के नीचे एक ही आता है। तो तीन कॉलम का फायदा तब है जब आपके टेम्पलेट में लास्ट में आप तीन कॉलम देना चाहते हो, उसके बाद फिर ठीक है ज्यादा से ज्यादा आप एक बैनर, फुल विड्थ बैनर या फुल विड्थ टेक्स्ट डाल सकते हो नीचे बस। बट ये पूरी रोज कॉपी नहीं हो जाती है तीन कॉलम वाली जो रोज थी। रोज कॉपी नहीं होती, लेकिन इसमें सिलेक्ट टू अप्लाई टू ऑल ऑप्शन है जो कि कॉपी के बराबर ही है। जैसे कि ये बटन है, जैसे तीन रोज में तीन बटन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे को अब स्टाइलिंग बदलनी है, मैंने ब्लैक कलर करना है बटन का, तो मैंने ये जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूंगा ना, तीनों आपकी ब्लैक हो जाएगी। तो आप काफी हद तक मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो ये सारे एडवांस फीचर यूज करके। रोज इसमें कॉपी नहीं होती, लेकिन मॉड्यूल कॉपी हो जाते हैं, तो आप वही चीज अचीव कर सकते हो। जैसे आपने मॉड्यूल कॉपी कर दिए, तो ये आपके देखो अब ये तीन ये चीज हो जाएगी। तो कॉलम के नीचे कॉलम आ जाता है, उसके बाद फिर अगर आपको एक फुल विड्थ कॉलम या फुल ब्लैक मॉड्यूल चाहिए तो वो आपको फिर फुटर में डालना पड़ता है, ये दिक्कत है। और फुटर को मैं नॉर्मली ना क्या है छेड़ना पसंद नहीं करता एक्चुअली, बट आप ऐसे डाल सकते हो। और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रिक्स हैं इसमें, जैसे आपने फुटर में क्या किया, पैडिंग टॉप को जीरो कर दो, और बॉडी में जाके कॉलम्स में जाके बॉर्डर बॉटम को भी जीरो कर दो, तो वो चिपक जाएगा। और उसके बाद आप जो है ना बॉर्डर बॉटम बॉर्डर्स को भी जीरो कर दो, अभी ये बॉर्डर दे रहा है ना तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, तो आप इसको क्या करो नन कर दो, ये देखो अब ये पता ही नहीं लग रहा कि ये फुटर है। तो ऐसी बात नहीं है मेलचिप में, मतलब बेसिकली ये जो कंटेनर्स है ना, दे आर बेसिकली जस्ट माइंडसेट्स। अब है तो ये मैंने फुटर में डाला है, इसको मैं फुल विड्थ भी कर सकता हूँ सेटिंग में जाके, ये लो एज टू एज हो गया, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि टेम्पलेट ईमेल का ही हिस्सा है। सो फुटर, हेडर, प्री हेडर, बॉडी, कॉलम्स, ये सारे जो हैं दे आर जस्ट बेसिकली यू कैन से पैटर्न्स, और उसमें आप अपना कंटेंट डाल दो और वो सारा जो है मिला के आपकी ईमेल बन जाती है। तो काफी मैन्युपुलेशन कर सकते हो बेसिकली एंड ऑफ द डे। मतलब क्या है कि आपको ऐसी कोई ईमेल नहीं है जो आप नहीं बना सकते ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर में, आप सब कुछ ही बना सकते हो। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें हमें कस्टम कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है, और मैं तो रेकमेंड भी नहीं करता फ्रेंकली देवेंद्र, बिकॉज फ्रेंकली बताऊं तो आज की डेट में कम हमें 23-24 डिवाइसेस में टेस्टिंग करनी पड़ती है। और अभी आपको पता ही होगा कि अब जो सैमसंग के नए डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट डार्क मोड में है, वो हमारे कोड को ही उल्टा पुल्टा कर देते हैं। मतलब आज की डेट में कोडिंग करना फॉर अ ईमेल का मतलब है कि आपको 23-24 डिवाइसेस में टेस्टिंग करने के बाद आपका कोड फाइनल होता है। तो आज यू नो मतलब अब मार्केटिंग में इतना टाइम नहीं होता कि आप मतलब 24 जगह पे पहले टेस्टिंग करो, फिर 24 में से हो सकता है 20 जगह ठीक चल रहा है, 4 जगह नहीं चल रहा, तो उन 4 जगह को ठीक करने के लिए आप कोड बदलोगे,
पता लगता है वो कोड यार अब चार जगह पे तो चल रहा है लेकिन बाकी 20 जगह पे चलना बंद हो गया। तो वो कई बारी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कस्टम कोडिंग करने लगते हैं ना तो वो एक मतलब झंझाल है, फिर वो फंस जाता है बंदा उसमें। सो इवन आई एम फ्रॉम अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड बट आई डोंट प्रेफर नाउ फॉर मार्केटिंग, बिकॉज यू नो मार्केटिंग में क्या है, योर कम्युनिकेशन हैज टू बी रेडी टू मार्केट। अब 21 तारीख को रक्षाबंधन है यू नो, और हम अगर 20 तारीख तक कोड को ही टेस्ट कर रहे हैं तो देन हम फिर बैनर हम क्रिएटिव पार्ट पे फोकस करेंगे। तो दैट इज व्हाई आई प्रेफर कि भाई बिकॉज मेलचिम क्या है कि यू जस्ट फोकस ऑन द क्रिएटिव पार्ट एंड उसके बाद आप अपने बिल्डर में जाके yes, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोडिंग की नॉलेज चाहिए चाहिए एंड ऑफ द डे। अब जैसे ये मर्ज टैग्स है, आपको मर्ज टैग डालने हैं, इसके लिए जब तक आपको HTML की अच्छी नॉलेज नहीं होगी कि हाँ यार ये मैं HTML में यहाँ जाके मेरे को मर्ज टैग डालना है, यहाँ पे मैंने मर्ज टैग डाला जैसे आर्काइव लिंक का, अब मुझे इसको चेंज करना है, मैं कोड में जाके डायरेक्टली भी चेंज कर सकता हूँ। कोडिंग की नॉलेज का फायदा जरूर होता है। अब जैसे मुझे इसका ये डिफॉल्ट कलर ब्लू क्यों आ रहा है, ये चेंज करना है, तो ये कैसे होएगा? ये कोडर इजीली समझ जाता है, ये बॉडी में जाके उसको बस बॉडी लिंक को ब्लैक करना है, अंडरलाइन को बोल्ड करना है, और ये देखो फर्स्ट क्लास आपकी ईमेल कस्टमाइज हो गई। तो यही चीज अगर आप पता है HTML में ये चीजें करोगे, फिर स्टाइल शीट डालोगे, फिर वो स्टाइल शीट गूगल लेता है, हॉटमेल नहीं लेता, आउटलुक लेता है, वो नहीं लेता, ये बड़ी दिक्कतें आती हैं। बैकग्राउंड है जैसे, अब ये बैकग्राउंड इमेज अगर आप डाल देते हो, आउटलुक में इमेज आता नहीं है, और जो एक्चुअली में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो आउटलुक ही खोलते हैं आज की डेट में। हालांकि अब जीमेल जी सूट पे बहुत लोग चले गए हैं, बट ज्यादातर मैं देखता हूँ कि कॉर्पोरेट मार्केट में जब हम B2B कैंपेन्स करते हैं तो ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट होती है कि यार हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो आउटलुक 365 यूज करते हैं, आउटलुक 365 इमेज दिखाता ही नहीं है, हम क्या करें। हालांकि अब जो हैं आउटलुक 365 के जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो दिखा देते हैं इमेज, और वेब वाले तो बिल्कुल दिखा देते हैं, बट स्टिल अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है आउटलुक का तो नहीं दिखाता, चार्जर पकड़ा देना जरा चार्ज उसका। तो ये सारे इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसमें क्या है, आप फॉल बैक कलर भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने ये इमेज डाल दिया मान लो बैकग्राउंड में, ये मैंने इमेज डाल दिया, लेकिन साथ के साथ क्या है मैं यहाँ पे अपना एक फॉल बैक कलर डाल सकता हूँ कि अगर इमेज नहीं आएगा तो ये इमेज का बैकग्राउंड येलो है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉल बैक कलर भी सेम शेड का RGB डाल सकता हूँ, बस सेव कर दिया मैंने। तो अगर इमेज आउटलुक में नहीं आएगा तो भी मेरा टेक्स्ट बुरा नहीं लगेगा या मेरा लोगो बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है मेरा लोगो वाइट है, उसके उसको पीछे एक डार्क बैकग्राउंड चाहिए ही था, अब वो इमेज डार्क था इसीलिए वो लोगो जच रहा था, अब आउटलुक में इमेज नहीं दिख रहा तो लोगो भी दिखना बंद हो गया। तो ये सब चीजें आप काउंटर कर सकते हो बहुत इजीली मेलचिम में। आप पैडिंग इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन होता है क्या बैकग्राउंड का, कुछ बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है इसमें, नहीं ये वाला ऑप्शन तो नहीं है इसमें। ओके ओके, काफी हद तक एक क्लियर हो गया इसका जो एडिटर है क्या वर्क करता है। लेट्स सी कि जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ और भी इसमें इंप्लीमेंट कर पाए। देखो आपको इमीडिएटली प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब जैसे आप एक टेस्ट, आपका जो टेस्ट अकाउंट है ना उसमें आप एक दो टेस्ट ईमेल्स बनाओ आज, और जो आपकी जो कोई पुरानी कैंपेन है ना उसी के साथ खेल लो, ठीक है। अभी कोई नई कैंपेन मत करो, जैसे आपने लास्ट रिसेंटली कोई पुरानी कैंपेन करी थी उसी को मेल चिम्प में बनाओ एक, मतलब उसका एक वो ले लो, अपना एक प्रोजेक्ट बना लो कि भाई ये मेरी लास्ट कैंपेन थी। इमेजिन करो अगर वही कैंपेन आपको मेल चिम्प से भेजनी हो तो आप कैसे करोगे। तो मैं टेस्ट यूजर्स में भी यूजर्स ऐड कर सकती हूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप टेस्ट आपका जो फ्री अकाउंट है आई थिंक उसमें आप नहीं, उसमें नहीं कर पाओगे मैम, फ्री में नहीं कर पाऊंगी ना मैं। हाँ आप लेकिन सब्सक्राइबर बना दो, आप जैसे अपनी इंटरनल टीम को सब्सक्राइबर ऐड कर दो और सिर्फ अपनी इंटरनल टीम को ही टेस्ट भेजो, और एक ही यूजर शेयरिंग कर लो अभी फिलहाल टेम्पररली, आप एक ही यूजर नेम पासवर्ड आप देवेंद्र सर को भी दे दो और दीक्षा जी को भी दे दो एंड ऐसे कर लो। अच्छा ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है, फिर मैं वो अपने क्रेडेंशियल शेयर कर लूंगी तो सो दैट दे कैन आल्सो सी। हाँ जी हाँ जी ठीक है। सो बिकॉज यू नो ये चीजें क्या है कि अगर आप टेस्ट इसको वो अभी जैसे आप ट्रेनिंग सेशन लिए, अगर आप 2-3 दिन में नहीं करोगे ना इसको प्रैक्टिस तो फिर अगले ट्रेनिंग सेशन तक आप ये सारा भूल जाओगे।
तो इमीडिएटली मतलब आज जैसे अब आज ही अगर प्रैक्टिस करो आजकल में तो आपको बेनिफिट देगा. अदरवाइज क्या है कि ये चीजें मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ती है. ईमेल बट कहने का मतलब ये है कि आप जब इसको मेलचिम को यूज करोगे. अभी मेरा एक कस्टमर है, शी इज इन फ्लोरिडा, शी हैज अ आर्ट गैलरी. वो 70 साल की लेडी है और वो अपनी सारी कैंपेन्स खुद करती है. मैं हैरान था, मैंने बोला यार मतलब तो शी ऑब्वियसली शी लर्न्ड बट शी सेड कि मेलचिम इतना ईजी है कि मेरे को मैं खुद ही कर लेती हूँ. मैंने बोला यार कमाल है, मतलब यू आर डूइंग योर कैंपेन्स योर सेल्फ और अच्छी खासी कैंपेन्स बनाती है. सो आई वॉज लाइक यू नो कि कहने का मतलब ये है कि मेलचिम ऐसा है कि मतलब एक 70 साल का बंदा भी यूज कर सकता है और एक यंग बंदा भी 15-16 साल का इंटर्न भी यूज कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर चाहिए. ईमेल बिजनेस में क्या है, प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है. अब जैसे हमने ये टेम्पलेट बनाया, जब आप इसको भेजोगे तो भेजने के भी 4 ऑप्शन हैं. आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो, इसको इमीडिएटली भेज सकते हो, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, बहुत चीजें कर सकते हो. जैसे मैंने इसको टेस्ट कैंपेन का नाम दे दिया. अब मैं रिसिपिएंट में जाता हूँ. अब हमने जो ट्रेनिंग सेशन में लोग लिए थे, अब मैं कैसे करूँगा, व्हाट इज द ट्रिक, मैं टैग में जाके आई विल जस्ट सिलेक्ट माई टैग साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये देखोगे आप अपने आप सिर्फ 4 लोग उनकी लिस्ट बन गई. मेरी लिस्ट में तो 1200 लोग थे लेकिन कैंपेन सिर्फ 4 लोगों को जाएगी क्योंकि मैंने टैग से सेगमेंट किया. तो आप टैग से सेगमेंट कर सकते हो, ग्रुप से कर सकते हो, कंडीशनल ग्रुप्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. दिस इज आवर टेस्ट कैंपेन और ट्रेनिंग सेशन. ये आपका हो गया, सब्जेक्ट लाइन हो गया. अब आपने जैसे जो फ्रॉम है, अब ये आपकी आईडी है इसलिए ये आपके उससे जाएगा, राइट? हाँ हाँ, ये अब अगर फ्रॉम आपका जैसे ये आ गया ना, आपका ईमेल आईडी आ गया, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. अगर अब यहाँ पे मेरे को, बिकॉज आई डोंट सेंड इट फ्रॉम माय आईडी, मेरे पास लॉगिन होगा बट आई विल सेंड फ्रॉम मल्टीपल आईडीज एंड मल्टीपल डोमेन्स, तो वो यहाँ पे ऑप्शन है. हाँ, आप अगर डोमेन जो है यहाँ पे आप जिस डोमेन से भी भेजना चाहते हो, एज लॉन्ग एज वो वेरीफाइड है, आप उसकी किसी भी आईडी से भेज सकते हो. जैसे मेरे केस में डी फोकस वेरीफाइड है, तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी डालूंगा, मैं अगर नवीन के नाम से भी भेजना चाहता हूँ, नवीन एंड, तो ये अपने आप नवीन से चला जाएगा. आई कैन सिलेक्ट कोई भी सेंडर हो, जब तक वो डोमेन वेरीफाइड है. अगर आपके चारों डोमेन वेरीफाइड है तो आप हजारों आईडी से भेज सकते हो. अब आईडी का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डोमेन वेरीफाई होना चाहिए. अब देखो मेलचिम में क्या कितनी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बाकी कोई भी टूल नहीं देता. इसमें करेक्शन, इसमें ये भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्हाई सो मेनी पीपल आर गोइंग टू मेलचिम. इट इज राइट नाउ द हाईएस्ट मेजोरिटी मार्केट शेयर है ईमेल बिजनेस में इनका. अब ये टेम्पलेट में कुछ डमी कंटेंट रह गया मेरे पास गलती से, तो उसने मुझे एरर दे दिया, उसने भेजने ही नहीं दी कैंपेन, उसने बोला प्लीज चेक द कंटेंट. सो ये 2-3 चीजें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि यू कैन एक्चुअली मतलब दिस इज अ टेस्ट. अभी हमने बहुत मेजर इंडिया की लॉ फर्म है उनके ट्रेनिंग सेशन लिया. सो जो उनके जो इंटर्न्स थे वो जो कैंपेन भेज रहे थे वो इतनी गलतियां कर रहे थे इतना वो, लेकिन आई फील वेरी सेफ गिविंग द अकाउंट इवन टू अ वेरी जूनियर इंटर्न, बिकॉज मुझे पता है वो बहुत ही अगर कोई गलत तरीके से कोई कैंपेन बनाएगा तो ही कैंपेन जाएगी, मतलब जा सकती है मतलब. बट ज्यादातर जो है इश्यूज मेलचिम पकड़ ही लेता है. अब देखो, अब मैंने अपना टेम्पलेट कंटेंट ठीक किया तो इसने करेक्ट किया, नहीं तो इसने सेंड का बटन लॉक कर दिया था मेरा. अच्छा, अब मैं स्केड्यूल ऑप्शन में देखो, इसमें एक और बहुत अमेजिंग फीचर है, सेंड विद टाइम वॉर्प. ये क्या करता है, आपका जो ऑडियंस समझ लो इंडिया में भी है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, तो आप टाइम वॉर्प लगा दो. लेकिन आप चाहते हो सबको 10 बजे मिले सुबह, तो जब आप 10 बजे सुबह टाइम वॉर्प करते हो तो हर बंदे को उसके 10 बजे के हिसाब से मिलेगी. अगर वो अमेरिका में है तो उसको
अमेरिका के 10 बजे मिलेगी। हाँ, और अगर इंडिया में, क्योंकि कई बार क्या होता था पहले हम लोग बड़ा मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता था कंट्री वाइज लोकेशन वाइज टाइम जोन के लिए। हाँ, सिर्फ इसलिए कि यार टाइम ऑफ सेंडिंग, बिकॉज ओपन रेट्स आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइम ऑफ सेंडिंग द कैंपेन। हम बड़ा क्लाइंट्स बहुत परेशान होते थे, अच्छा यार सेगमेंट, पहले हम सेगमेंट बनाते इसलिए थे कि यार हमें पता हो कि कौन सा बंदा कहाँ पे, अभी इसकी जरूरत ही नहीं है, इसने काफी चीजें तो ऑटो पायलट कर दी है, टाइम वॉप फीचर जैसे। सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, ये एक और अमेजिंग फीचर है, ये आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखता है कि आपका जो ऑडियंस है, जो आपके लिस्ट में जो लोग हैं, वो किस कौन से टाइम पे खोलते हैं ईमेल ज्यादातर। कुछ लोग दोपहर को खोलते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं, कुछ लोग शाम को खोलते हैं। आपके ऑडियंस में जो ओवरऑल एवरेज जो बेस्ट टाइम है वो ये अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा, फिर आप उस टाइम पे भेज दो। तो ये काफी चीजें हैं, मतलब देखो ये तो है कि जब तक आप टेस्टिंग खुद से नहीं करोगे, 2-3 कैंपेन्स भेजोगे तो आप ये सब चीजें एक्सप्लोर करने लग जाओगे। एक बार एक्सप्लोर ये सब चीजें करोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी था। नहीं, वो ऑब्वियसली जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक एक चीज को नहीं उठा के देखेंगे तो नहीं। बाकी एक और चीज इसमें, जैसे फ्रॉम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसमें ऑप्शन होता है रिप्लाई करने का। हाँ, इसमें बहुत ब्यूटीफुल फीचर है, यहाँ पे आपके सेटिंग्स एंड ट्रैकिंग में यहाँ पे आप टिक कर दो मैनेज माय रिप्लाइज। उससे क्या होएगा, ये आपका ये रहा यूज इनबॉक्स टू मैनेज रिप्लाइज, ये ऑलरेडी टिक किया हुआ है मैंने बाय डिफॉल्ट अपने ऑडियंस। इससे क्या होता है कि आपको जो ये वो आते हैं ना ऑटो रिस्पॉन्ड रिप्लाइज, और वो कई बारी ना मैं कैंपेन करता हूँ तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर आईडी यूज करी, सीईओ की कई बार मैसेज फ्रॉम डायरेक्टर, मैसेज फ्रॉम सीईओ, तो उनकी ईमेल यूज करते हैं तो हाँ। बोलते हैं यार कंप्लेन कर रहे हैं उनके इनबॉक्स भर गया है, 5,000 ईमेल्स हैं, ऑटो रिस्पॉन्ड वही प्रॉब्लम है। तो आप क्या करो, टिक कर दो मैनेज इनबॉक्स रिप्लाइज। ये एक दिस इज अ यूरेका मोमेंट फॉर मी, इट वॉज अ आहा मोमेंट फॉर मी। मैं ये किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि ये फीचर कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन आपने ये पूछा, आपके ऑडियंस में एक बटन है इनबॉक्स, आपकी कैंपेन में अगर कोई रिप्लाई भी करेगा तो वो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो ये एक तरह से एक सीआरएम का काम भी कर रहा है ये जो इनबॉक्स फीचर है। हम इसमें जैसे हमारा जो जेनेरिक आईडीज हैं उसके एक्सेस, जेनेरिक आईडी एज इन जो हमारी वेबसाइट्स पे हैं और जो हमारी कुछ जेनेरिक आईडीज हैं जैसे इन्फो की होती है, उसका एक्सेस हमारी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को है। तो अगर हम इस रिप्लाई में या मैनेज माय उसमें करके हम अगर वो आईडी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है अपना, अच्छा आप कह रहे हो कि जाएगी किसी और से लेकिन रिप्लाई किसी और को जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन नहीं है, पहले होता था, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो फिर सारा जो ट्रैश है सारा, क्योंकि सारा डेटाबेस का मेरे इसमें आ जाएगा। हाँ, अगर मुझे वो चाहिए, जैसे सपोजिंगली भेजा मैंने अपनी आईडी से और आई वांट कि जो रिप्लाई टू है वो info@seeta.in पे आए, रिप्लाई किसी और पे, ये पहले होता था बट मुझे लग रहा है ये ऑप्शन इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, एक बार ही मुझे चेक करना है। डिसेबल विल रीडायरेक्ट टू कॉन्फिगर्ड टू हैंडल रिप्लाइज सेंड टू, रिप्लाइज फ्रॉम योर विल अपीयर, यहां पे होता था, एक बार इनबॉक्स सेटिंग में देखते हैं। ये क्या करता है, एडजस्ट नोटिफिकेशन ईमेल, सिलेक्ट विच टीममेट रिसीव्स एन ईमेल व्हेन समवन। हाँ, आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अपना टीममेट डाल दो, जैसे आप चाहते हो कि आप ईमेल भेज रहे हो देवेंद्र जी की आईडी से लेकिन रिप्लाई दीक्षा जी करें। हाँ। तो आप यहाँ पे क्या करो, ईमेल नोटिफिकेशन में ये ऑप्शन देता है, सिलेक्ट विच टीममेट रिसीव्स द ईमेल नोटिफिकेशन व्हेन समवन मैसेजेस। तो अगर आपकी कैंपेन से कोई रिप्लाई करेगा तो वो रिप्लाई उसी को उसको भी जाएगा। और ये चीज जो है ये मेलचिम मैनेज कर रहा है, रिमेम्बर क्लाइंट को यही लगता है, कस्टमर को लग रहा है कि वो रिप्लाई कर रहा है devendra@seeta.in को, लेकिन मेलचिम क्या कर रहा है, devendra.seeta.in पे कोई भी इनकमिंग ईमेल जो कैंपेन का रिप्लाई से आ रही है वो दीक्षा को भी नोटिफाई कर देगा। अच्छा, तो ये मतलब काफी एडवांस फीचर्स है जो इंटुइटिव है,
बिकॉज पहले क्या होता था, ये गड़बी गड़बड़े होती थी, रिप्लाई टू अलग है ईमेल, कई बारी मतलब यू नो देयर वाज ऑलवेज अ इशू विद दैट. तो इसमें क्या है कि अच्छा दूसरी बात ये है कि आपके जो इनबॉक्स है, ये जो मेल जिम का जो इंटरिम इनबॉक्स है, यहाँ पे आपके जो रिप्लाईज आ जाते हैं. अब मान लो आपके चार यूजर्स हैं, तो चारों यूजर्स यहाँ पे जाके यू देख सकते हैं कि किसने क्या रिप्लाई किया. कई बार क्या होता है, एक बंदे ने रिप्लाई किया कैंपेन में, आपकी टीम में दो बंदों के पास वो कॉपी गई, दोनों ने उसको फॉलो अप कर दिया. मतलब डुप्लीकेसी अवॉइड हो जाती है क्योंकि आपके एक ही इनबॉक्स में यहाँ पे आती है. आपकी तीनों टीम्स यहीं पे जाके लॉग इन करके देख सकती हैं. जैसे मैं डन में जाके देख सकता हूँ कि मेरे रिप्लाईज का क्या हिस्ट्री है. अब ये किसी ने रिप्लाई किया तो मुझे इसकी सारी हिस्ट्री आ गई. मैं उस अकाउंट को पुल अप करके उस अकाउंट की भी हिस्ट्री खोल सकता हूँ. तो अब ये जो आपकी सेल्स टीम है वो रिप्लाई इजीली हैंडल कर पाएगी, क्योंकि अगर इनबॉक्स पे रिप्लाई आएगा तो अगर उसके ईमेल पे आएगा तो उसको सिर्फ यही दिखेगा कि इस बंदे ने रिप्लाई किया. लेकिन अगर वो मेल ये एक्चुअली क्या है ना, जो अभी अगर मैं अपने सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर की आईडी से भेज रही हूँ तो वो अब मेरे पास में अगर आता है या इन्फो पे जाता है तो उनके नीचे लेवल पे जो है वो देख कर उस पर एक्शन कर लेते हैं. तो आप वो हाँ मैनेज माई रिप्लाईज करके आप नोटिफिकेशन में अपने जो सबॉर्डिनेट है उसकी ईमेल डाल दो, बस सिंपल. उस पे वेरीफाई वगैरह करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना उसको? नहीं नहीं, आपको वेरिफिकेशन अगर वही सेम डोमेन है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज हैं ये बिल्ट इन है, दैट इज ऑल देयर फॉर यू. बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. आप दो तीन कैंपेन्स टेस्ट अपने इंटरनली ही करो. एंड मैं आपको एक ई बुक भेजूंगा फॉर ई मेल, जिससे मेरे को भी बेनिफिट मिला था आफ्टर द सेशन. तो एंड चीट शीट का लिंक भी आपको, ये सब दो तीन रिसोर्सेज भेज दूंगा जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगी. एंड बाकी 30 डे सपोर्ट जब भी आपको लेना हो आप मुझे बता देना. सो वी विल, जो भी है सपोर्ट में तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. हाँ, बिकॉज अभी हम विल प्रैक्टिस और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो एक बारी हम कोलेट करके, विल नॉट बॉदर यू अगेन एंड अगेन. हम एक जो हमारा क्वेश्चंस होगा हम आपको भेज देंगे. नो प्रॉब्लम. एंड मे बी यू नो एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बाय द प्लान. अभी आप एसेंशियल बोल रहे हो तो प्रॉब्ली एसेंशियल प्लान हम ले लेते हैं. I think start with the essential plan and then you can move up to standard when you have the requirement. So, Deeksha, you have any questions about social media part? No, I guess first I'll just try and test it. And if I face anything which may need some attention from me, so I'll let you know. Okay. Devin? You clear on the template thing, the design part? Devendra, are you there? Devendra, you are mute. Unmute yourself, please. I guess he's on call. Achha. Yeah. So we'll let you know if we face anything once we test it. Hmm. I will share my my credentials for the free the free plan that I had taken. Okay. Theek hai, so we'll practice on that so that we can view each other's thing and everything we can see. Yeah. Definitely. Okay, and if you want, we can test it on Teams or something. Definitely. That will decide. Okay. Anything you want to ask, or we should wrap up the session? I guess we are done. Okay. All right then. Next thing, the attributes and that listing thing, the segmentation, we'll schedule. I'll coordinate with Naveen and for that. हाँ हाँ मैम, उसको मैम टाइम स्लॉट्स पता होते हैं, कोई भी आप नेक्स्ट वीक शेड्यूल कर लो. सो आई विल बी हैप्पी टू कम अगेन. ठीक है. और आप देख लीजिएगा एनीथिंग दैट आई नीड टू नो फॉर बेसिकली अकाउंट सेटअप या कुछ और. अकाउंट सेटअप, द बिलिंग,
एनीथिंग रिगार्डिंग बिलिंग का मैम, आप बिलिंग से पहले आप बस मुझे बता देना, बिकॉज इफ आई विल टेल देम देन मे बी दे विल गिव यू सम मोर डिस्काउंट और समथिंग. तो आप जब भी आप प्लान लोगे तो आप मेरे को बता देना बेशक. एंड ऑब्वियसली एज अ पार्टनर दे ऑल्सो हैव अ सपोर्ट सिस्टम, अ रिवॉर्डिंग सिस्टम. सो वी विल बी एटलीस्ट बी एबल टू टेल यू, टेल देम कि भाई ये हमारे कस्टमर है, हमने इनको सर्व ट्रेनिंग दी थी. सो दे कैन दे ऑल्सो गिव अस अ रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर दैट. ठीक है, ओके, ऑल राइट. एंड आई विल फॉरवर्ड यू दैट ईमेल ऑल्सो जो मैंने जेक को लिखी थी. हाँ हाँ प्लीज आप वो कर दीजिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो गिव अनदर पर्सन इन द लूप. ठीक है, बिकॉज आई हैव यू नो अप्रूवल फॉर द स्टैंडर्ड प्लान. आई विल यू नो आई विल डिस्कस दिस विद माय बॉस फॉर द एसेंशियल दैट इनिशियली वी शुड टेक दिस प्लान एंड दीज आर, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर दैट 3 यूजर्स एंड 50,000 ईमेल्स एंड ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी. आई विल डिस्कस दिस विद हिम एंड देन ओके. ठीक है मैम, सही है. राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर ऑल द नॉलेज दैट यू हैव गिवन अस. Thank you, ma'am. I hope it was helpful. We want to empower our customers to make good decisions. And I think, congratulations. This is a very good platform. So I have personally used it for myself and for my clients. So we have served more than 300 customers, you know. So in email marketing. So that's it's an honor. Let's see, we'll practice and maybe we'll bother you again with our questions. Anytime. I never feel bothered. Don't worry. thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Naveen. Thank you. Thank you, Robin. Thank you so much. Bye. Take care. Bye, Devendra. Bye, Deeksha. Bye. Yes, sir. कौन मिंटी है लाइन पे? No, sir. Yes, sir. Yes, sir.